अस्सलाम वालेकुम, गुड मॉर्निंग पाकिस्तान। आज मेरी तबीयत बिल्कुल डाउन है, आवाज़ नहीं निकल रही, ऐसा लग रहा है जैसे डबिंग कर रही हूँ, मेरी आवाज़ में कोई और बोल रहा है बिल्कुल। मैं नहीं तो हमेशा मैं सलाम करती हूँ तो एक अंदर से एनर्जी आती ना, मैं अंदर से एनर्जी नहीं, अंदर से आवाज़ निकालने की कोशिश कर रही हूँ, क्योंकि सुबह जब मैं उठी उस वक्त तो मेरी आवाज़ ही नहीं निकल रही थी। मैंने कहा मैं बोलूँगी कैसे, पूरा शो बोल के करना होता है, कैसे आवाज़ निकालूँगी। फिर मैंने बड़े गरारे किए, बड़े कॉफ़ी पी, तो जाके ये आपको जो आवाज़ सुनाई दे रही है जिसमें थोड़ी सी एनर्जी कम है अभी, जो मैं और कॉफ़ी पी के और ज़्यादा बढ़ाने वाली हूँ, ताकि ऐसा ना हो कि जैसे मेरी तबीयत बैठी आपका दिन बैठ जाए, है ना, सुबह सुबह बैठा हुआ शो देखकर। अच्छा, हमारी ज़िंदगी में बहुत सारी अच्छी मेमोरीज होती हैं। ईद पर आप शॉपिंग करते हैं अपने बच्चों के लिए, अपने हस्बैंड के लिए, अपने लिए, और बिल्कुल एक वो कहते हैं ना कि फेस्टिविटी होती तो आप बड़े तहम्मुल से शॉपिंग करके ज़बरदस्त कपड़े सिलवाते हैं। फिर शादी होती है या मेहंदी होती है, घर में ढोलकी होती है या बर्थडे होती है, या कोई भी ऐसी अच्छी चीज़ होती है जिसके लिए आप बहुत तैयारी करते हैं, कभी कभार ये सारी, अरे बातें ना करें ना भाई, सौकत क्या नाम है शकील भाई, मुझे बोलने दें अभी। हाँ, तो मैं आपसे ये कह रही थी कि जो बहुत सारी ऐसी एहतमाम वाली चीज़ें होती हैं जिसमें हम सोच रहे होते हैं हम ये करेंगे, हम वो करेंगे, वीडियो बनेगी, कैमरे से तस्वीर खींचेगी, कभी कभार आपकी अरमानों पे पानी फिर जाता है। वो क्या होता है, जब आपके बच्चे की बर्थडे होती है और बर्थडे से पहले उसको भूख लगती है तो आप कुछ उसे खिला रहे होते हैं, और वहीं आपके बच्चे की कपड़ों पर जो आपने ना जाने कहाँ कहाँ से ढूंढ के उसको जमा करके पहनाए होते हैं, उस पर कपड़ों पर दाग लग जाते हैं। और मुझे लगता है कि हर दाग के पीछे कोई कहानी होती है, और वो जो कहानी होती है वो बुरी ना हो, इसलिए मैं आपको आज एक तरीक़ाकार बता रही हूँ कि उस मेमोरी को सेव करें और अच्छा बनाएं। क्यों, अक्सर मेरे साथ ऐसा हुआ, अभी अमेरिका में गई तो मैंने बच्चों की शॉपिंग की, धड़ाधड़ मज़ेदार शॉपिंग, और उसके बाद वो शॉपिंग करके मैंने बच्चों को कपड़े पहनाए, तो मेरा छोटा बच्चा था, छोटे जो बड़ा बच्चा था उसने जो तमाशा किया, नई शर्ट के साथ मैंने इतनी महंगी शर्ट पहन के उसको दी और पहनाई उसको, वाइट और बहुत खूबसूरत, वो अच्छा लग रहा था। अच्छा कम लगता है कभी कभार, मूछें निकल आई हैं उसकी तो, लेकिन अच्छा लग रहा था, दाग लगा लिया, हाँ दाग लगा लिया। ला मेरे तो जैसे कार्टून में ही दिखाते, यहाँ से धुआं धुआं निकलना शुरू हो गया। मैंने कहा तस्वीरें तुम्हारी कैसी बुरी आएंगी, नई शर्ट पहनाई है, मतलब वो दाग, उसके पीछे पूरी कहानी कि मेरी मेमोरी ख़राब हो रही थी, मेरी छुट्टियों की मेमोरी। मगर मैंने फटाफट, पता नहीं मैं मुझे कैसे, मैं लेकर साथ लेकर गई थी, ब्राइट मुझे मिल गया, और ब्राइट से मैंने उस दाग को रफा दफा कर दिया, गायब। तो फिर मैंने जाके अपने बेटे को बोला इस ब्राइट से आप कोई दाग बच के दिखाए, दाग रहेगा ना निशान, ये है ब्राइट का प्रॉमिस। तो जी, आपके साथ मैं एक मस्ती भरा गेम खेलने वाली हूँ, देखते हैं आप लोग कितने चलाक हैं। लेकिन मैं आपको यही कहूँगी कि अपनी मेमोरी को अच्छा करना है तो अपने घर में ब्राइट लाएं, और खामा खाए में बच्चों को डांटें, कभी कभार तो बीवियाँ मियाँ को डांट रही होती हैं, क्या करते हैं आप, क्या लगा के आते हैं, इंक लगा ली, ये लगा लिया, वो लगा लिया, धो धो के गैस जिसके मेरे हाथ थक गए, शर्ट ख़राब हो गई, सारे पैसे ज़ाया हो गए। तो पावरफुल ब्राइट लाएं और अपनी मेमोरीज़ को उदम बनाएं। ये जो मैं आपको शर्ट दिखा रही हूँ, ठीक है, सिर्फ इस शर्ट को देखने से ही नहीं बल्कि इस शर्ट के बारे में बताने से आप ब्राइट जीत सकते हैं, यहीं से अपनी मेमोरीज़ को अच्छा कर सकते हैं। पावरफुल ब्राइट मेरे साथ में मुझसे गिफ्ट लेकर जा सकते हैं। इस शर्ट पे 1, 2, 3, 4, 5, 6 दाग लगे, एक एक करके मैं आपके पास आऊँगी और दाग के बारे में पूछूँगी, बताएगा कि दाग किसका है। अगर आपने सही बता दिया तो आपको पावरफुल ब्राइट आज जिंदा यासर की तरफ से मिलेगी। माइक किसके पास आपके पास है, ठीक है जी, अब मैं आई इनके पास। हाँ जी, ये किसका दाग है, नहीं आप लोग ना बताएं ना, जिसके पास माइक है सिर्फ वही बताएं। टन टन, सोच ले, जैसे नहीं नहीं ये दाग किसका, हाँ बिल्कुल लाइए भाई, कैसा है गिफ्ट हैम्पर किधर है, इकबाल नहीं सॉरी अब्दुल शकूर,
अब्दुल गफूर अब्दुल शकूर नाम हो गया था बाल का, कल बुशरा पर रख के गई हैं जी। अब माइक किसी और को दे दो, किसी और को जीतने का मौका दो। तो जी पहला हो गया गिफ्ट आपका, अब हो गई आपकी बारी। ये तो कोई मेरे खानदान वाली रखती है, रिश्तेदार लगती है माशाल्लाह। मेरे कुछ जितने भी शो हुए हैं उसमें 100 शोज में तो आई होंगी है ना। जैसे जैसे मेरी ड्यूटी है, बहुत प्यारी स्लिम और बहुत प्यारी होंगी निदा, इस तरह ही रखे अल्लाह ताला आपको। शुक्रिया आपका, बहुत बहुत शुक्रिया। आप आइए जी, आपसे दाग पूछते हैं। हाँ ये दाग किसका है? ये दाग है कीचड़ का, जैसे बॉल लग जाती है मेरी। मुझे अपने प्रोग्राम पे ही नहीं, अपनी टीम पे ही नहीं, बल्कि मुझे अपनी ऑडियंस पे भी फख्र है। बिल्कुल सही जवाब, ये ले। कोई गिरा मत देना भाई, ये ले। अब सारे दाग कौन गंदा करता रहता है, जरा इनको देना फिर हमारी गेट में। आपके घर में सबसे ज्यादा कपड़े गंदे कौन करता है? मैंने खुद किए। खुद देखें क्या किया आपने? ये जंग लग गया मेरे हैंगर में लग के, ये देखो। अब ये ब्राइट मिला है मुझे, मैं इससे साफ करके देखूंगी अगले इश्तिहार में इनको। ठीक है, सॉरी आपको बर्दाश्त करना पड़ेगा आज मेरी नासाज तबीयत को और रानी मुखर्जी जैसी आवाज को आपको बर्दाश्त करना पड़ेगा जी। अच्छा जी, अब माइक किसके पास है? अगला सवाल, ओके। ये दाग किसका है? कॉफी चाय का। किसने बताया? अब मैं क्या करूं, आधा किलो तुम ले लो, आधा किलो तुम ले लो, यही होता। लाइए जी, बिल्कुल सही जवाब, लेकिन किसी और ने दिया। क्या हुआ भाई, कॉफी का इतना हल्का सा दाग होगा है? ओके, नेक्स्ट माइक किसके पास है? मेरे पास है, बता दोगी? ओके, ये वाला दाग किसका है? क्या करीब तो करो, और किसी का किसी को कुछ समझ आ रहा है ये क्या है? आजकल कौन सा मौसम में क्या आया हुआ है? आम, आम, आम। वेरी गुड, तुम्हें तो नहीं देने वाली मैं। उसने बोला लाओ भाई, जिसने बोला उसी का हुआ। आम, ये लीची है आपके लिए। हो गए 6 दाग, बल्कि एक रह गया ना, एक रह गया ये वाला। हाँ भाई, अब माइक किसके पास? आपके पास है, तुम तो बहुत करीब से देख सकती हो, सूंघ भी लो। ये वाला दाग किसका है? ये मत कहना कि बच्चे ने कुछ किया है। यस, वेरी गुड। ओके, सब हो गए, कौन सा रह गया? ये रह गया बस। अब माइक किसके पास? देखो अब मैं तुम्हें सोचने के लिए कोई 5 मिनट नहीं दूंगी, 5 सेकंड है तुम्हारे पास, जल्दी से बताओ। सालन का तो हो गया, एक ही दाग बार बार थोड़ी लगाएंगे। तुम्हारे पास माइक है, तुम्हारे पास ऑप्शन है, किसी की आवाज मुझे आई नहीं रही, कान बंद है। मैं तुम्हारी कोई चच्चा की बेटी, मैं तो टाइम लू है, ये लो। हाँ आप बताएं, ये दाग किसका है? कोशिश करें करीब जाके सूंघें। हल्दी। अरे यार पहुंच भी नहीं सकी। अच्छा सुनिए, हल्दी कौन लगाएगा इधर? मैं आपकी बहुत बड़ी फैन हूँ, आई लव यू। आई लव यू टू। आगे बढ़े, कोई रिश्वत नहीं चलेगी यहाँ। हाँ तुम फिर से आ गई है, चलो भाई उसको दे। देखो ये चीज ऐसी है, खास तौर पे जब बालाज फरीद और सिला होने वाले थे, इसके बगैर तो मैं रह नहीं सकती थी, होने वाले थे। आम आम अचार दो क्या है, देखो जरा क्या क्या तुम लोगों को बताना पड़ता है, ये लो जी जनाब। तो ये हो गए हमारी शर्ट के दाग कंप्लीट, और आपकी मेमोरी इनकम्प्लीट होगी। जाहिर है दाग के पीछे कोई कहानी होती है, और उस दाग की कहानी को मेमोरेबल बनाने के लिए उसको आप पावरफुल ब्राइट से एडिशन करें और उस दाग को गायब करें और उसकी कहानी को याद करें। एक छोटा सा ब्रेक ले रहे हैं, ब्रेक के बाद हम वापस आएंगे और हम आज आपको क्या करके बताएंगे, ये बात आप हैरान हो जाएंगे सुनकर कि हम आज आपको इन्फॉर्मेटिव शो दिखाने वाले हैं, मगर किस चीज़ से? वो चीज़ ऐसी है, चलिए गैस करवाती हूँ, आज तो कोई कसौटी चल रही है ना हमारे शो में, गैस करवाती हूँ। वो चीज़ ऐसी है कि जब आप मुंह खोलते हैं तो लोग इम्प्रेस भी होते हैं और आपको देख के डिप्रेस भी हो जाते हैं, ठीक है? अगर वो
सही तरह इस्तेमाल ना किया हो। क्या कितनी चलाक हो तुम लोग, खब्बे कुछ नहीं पता चल गया, अपने लिए तालियां बजाओ। बिल्कुल टूथपेस्ट और मंजन, जाहिर है कुछ लोगों को मंजन की आदत है ना मांजने की इस तरह दांत, और कुछ लोगों को टूथपेस्ट के बगैर नहीं रह सकते। मैं तो नहीं रह सकती भाई, मुझे तो टूथपेस्ट 3 दिन दफा करने की आदत है, वरना मुझे अजीब सा कुछ फील होता है। तो अपने सिर्फ दांतों के लिए नहीं बल्कि और बहुत सारी चीज़ों के लिए मंजन और टूथपेस्ट को कैसे ज़िंदगी में शामिल किया जाए और क्या क्या उससे हो सकता है, ये जान के आप दंग रह जाएंगे। गुड मॉर्निंग पाकिस्तान, एक छोटे से ब्रेक के बाद रहिए हमारे साथ एक ज़बरदस्त कंप्लीट शो देखने के लिए, छोटे से ब्रेक के बाद। वेलकम बैक, गुड मॉर्निंग पाकिस्तान। देखें मैंने जो है ना ऑडियंस में बैठी हुई बहुत मेरी प्यारी सी सहेली है, दोस्त है मेरी, है ना, मेरी मैके वाली, उससे मैंने दुपट्टा एक्सचेंज कर लिया क्योंकि वो नहीं मुझ पर सूट कर रहा था। मैंने कहा ये सही है दुपट्टा, क्या ख्याल है, सही है ना। आज हम क्या करने वाले हैं, आज हम आपको टूथपेस्ट और मंजन से बहुत सारे फ़ायदे पहुँचाने वाले हैं, और फ़ायदे पहुँचाने के लिए कुछ लोग हैं जो आपके जहन में आते होंगे और मैं आपके सामने उनको ले आती हूँ। जी डॉक्टर उम्मे राहिल हमारे साथ, अस्सलाम वालेकुम, कैसी हैं आप? अल्हम्दुलिल्लाह, चेंज हो गया, बहुत अच्छा लग रहा है और आप भी बहुत अच्छी लग रही हैं। थैंक यू। आप तो चमक रही हैं, मुझे लग रहा है और छोटी हो गई हैं मेरे आने के बाद। चेंज हुआ था, कुछ चेंज आना चाहिए। हां बिल्कुल, ये तो है, अच्छी तैयारी के साथ आए। फिर हमारे पास है डॉक्टर बतूल, टूथपेस्ट है हमारा आज का टॉपिक और मंजन, और हमारे साथ हमारे बहुत ही प्यारे हाजी अब्दुल बासित साहब। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम, कैसे हैं आप? फर्स्ट क्लास, मजे में हैं, ठीक ठाक हैं जी। सबसे पहले आपसे शुरू करते हैं जी, ठीक है? हमेशा लेडीज फर्स्ट होता है, लेकिन आज क्योंकि यहाँ दो लेडीज हैं और एक जेंट्स, तो मैं इनसे शुरू करने वाली हूँ। मंजन टूथपेस्ट, इसके बारे में क्या कहते हैं? वैसे अगर हम दांतों को साफ करने के लिए इस्तेमाल करें तो आपकी प्रेफरेंस ज़्यादा क्या होती है, टूथपेस्ट के मंजन? देखिए बात वो करनी चाहिए जो पब्लिक में ज़्यादा राइज है, तो ज़्यादातर जो है 90% लोग तो अभी भी टूथपेस्ट ही यूज़ कर रहे हैं। हाँ, टूथपेस्ट ही इस्तेमाल किया जाता है, वो इजी गोइंग भी होता है, और अगर आपके मुंह में छालित हो तब भी वो आप लगा सकते हैं। जो बड़े बुजुर्ग हैं उनको मंजन की आदत, मंजन शुरू से जो लगा रहा है उसको आदत है। जैसे मंजनों की कई अकसाम है, लेकिन मैं आपको टीथ का जहाँ पे जिक्र आता है इसके बैकग्राउंड बताऊँ कि सबसे पहले दांतों का जो डॉक्टर है और दांतों को साफ करने के उसूल दिए वो नबी अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने। सबसे पहली चीज मिसवाक, जो कि हमारे तिब नबवी के अंदर, इससे भी हम करेंगे आज कुछ जी, इसका भी मैं आपको पूरा मिसवाक, मंजन एंड टूथपेस्ट, सॉरी मुझसे गलती हो गई, 3 चीजें ऐसी हैं जिससे हम आपको बताएंगे कि आप दांत साफ करने के अलावा और इससे क्या क्या कर सकते हैं, और हैरान कौन होंगी वो चीज़ें। ठीक है, आपके जहन में क्या क्या है कि सबसे पहले आप? सबसे पहले मैं बताऊंगा दर्द के बारे में कि अमूमन जिस्म में दर्द होता है। अभी मेरे तो बड़ा हो रहा है, कमर टूटी है। उसमें ये होता है कि टखनों में दर्द, पैरों में दर्द, तो उसमें जो हम मंजन है उस बनाएंगे, उस मंजन को आप नमक की मकदार कम करके खा भी सकते हैं। उस मंजन को जी हाँ, तो नमक की मिकदार कैसे कम करें? जैसे जब आप बनाएंगे, जैसे उसमें सिर्फ 2 चीज़ें हैं, उसमें सौंठ है, ठीक है, हाँ, और उसमें जो है ये गुस्से शीरी, जैसे आप फर्ज करें वायरल बहुत फैला हुआ है, यहाँ बारिश नहीं होती बीमारियाँ शुरू हो जाती हैं, तो हर दूसरे बंदे से पूछो गला खराब, जिस्म में दर्द, सर में दर्द, नज़ला, कितने लोगों का है वायरल ज़रा बताओ, है मेरे घर में भी सबको हुआ है, घर में ही हो जाता सबको, तब जिस्म में दर्द है जी। अब हम बजाए इसके कि गड़ी डॉक्टर के पास भागे या गोलियां खाएं, ठीक है, तो हम क्या करें, मंजन लें। ये मंजन जो मैंने बताया 2 चीज़ें, उसमें सौंठ है, कुस्ते शीरी है, 100 ग्राम का है, क्या इस वक्त मेरे पास पीसी हुई है, ये जो है हमने पीस ली थी क्योंकि बहुत सख्त होती है, कुस्ते शीरी और सौंठ हमने पीस ली है, ये सौंठ ठीक है, इसमें नमक भी है, तो इसे ये है आपने मिक्स कर ली, मिक्स कर ली, तो 3 चीज़ें जहन में रखिए, कुस्ते शीरी, दूसरी चीज़ मैंने बताया आपको कि सौंठ, अदरक, सौंठ, कुस्ते शीरी और नमक, और नमक आम नमक कोई भी 100-100 ग्राम वो ले लें, सिर्फ अगर खाना है तो उसको 10 ग्राम नमक उसमें करेंगे, और अगर मंजन के तौर पे तो 50 ग्राम तो हम मंजन के तौर पे इस्तेमाल करें जिस्म में दर्द खत्म करने के लिए, या खा लें
मैंने अर्ज किया ना कि वैसे तो मंजन बना के रखी है, क्योंकि अच्छा। इसका जो कुश्ते शीरी का खासा ये है कि एंटी इन्फ्लेमेशन है, ये गलों के लिए, टॉन्सिल्स के लिए, खांसी के लिए, तमाम चीज़ें हमने मंजन में इससे शामिल किया है कि ये जितने भी पायरिया, जितने भी अंदर इन्फेक्शन होते हैं तो ये जाके जो है अंदर कुश्ते शीरी जो है फ़ायदा देता है। और अंदर बाकायदा बाज हो के आपने देखा दाढ़ जो है वो आउट हो जाते हैं, यानी कि मसूड़े ऊपर की तरफ आ जाते हैं। मुझे जो समझ आई ना लेकिन साहब वो ये आई है, आपने कहा है या तो इसे पानी में मिला के घोल के पी लें तीनों चीज़ों को, या मंजन जो आपके घर में मौजूद है उसमें मिक्स कर लें तीनों चीज़ों, है ना, और अपने दांतों को रोज साफ करें इससे, तो आपके जिससे में दर्द खत्म हो, दर्द मिनटों में जाता है इससे, क्योंकि सौंठ ऐसी चीज है। ये मंजन है जैसे, जैसे ये मंजन है, ये मंजन ठीक है, इसके अंदर आपने सौंठ डाली, कितनी डालेंगे? मंजन में नहीं डालनी, अलग एक मंजन बनाना है। अच्छा, अलग एक मंजन जो मैंने बनाया कुश्ते शीरी। ओके, सही, कंफ्यूजन क्लियर हो गई। ठीक है, इसमें नमक डाल के इसको आप दांतों में लगाना है, पेस्ट इसके टूथ ब्रश के साथ लगा सकते हैं आप, या फिर मिसवाक में टच करके भी लगा सकते हैं, और जहां आपको दर्द हुआ उसी को आपने आधा चम्मच पानी के साथ खा लिया। अब मैं समझ गई, ठीक है, आइए आप लोगों को समझ, क्योंकि ये लग रहा था जापानीज बोल रहे हैं, समझ नहीं आ रही थी। अब अच्छा दूसरी चीज एक और बताऊंगा, दंदासा। दंदासा गाना भी बना है, जी जी, है ना, शादियों में इतने गाने गाए, ढोल बजा बजा। ये दंदासे का खासा ये है कि ये एंटी इन्फ्लेमेशन है, और इसका जो सिर्फ इसको सिंपल सा पीस लेना है, ना इसमें नमक मिलाना है ना कुछ, ही मैंने पीस के रखा हुआ है, और अभी आप किसी को अप्लाई भी करवाएंगे तो आप देखिए ना दांत इनके होंठ लाल होंगे ना कुछ होंगे, बल्कि ये बेहतरीन चीज है। किस लिए बता रहे हैं, दांत साफ करने के लिए? दो चीजें बताऊंगा इसमें, ये है कि सबसे पहले तो इसको पीस के रख लीजिए, अच्छा ठीक है, सिर्फ दंदासा, ये मंजन बन गया। हाँ ठीक है, अब आपके फर्ज करें कि चेहरे इसमें जिल्द पर जो निशानात हो जाते हैं जिसे हम पित्ती उछलना कहते हैं, बहुत से ऐसे निशानात किसी के है, अभी है आपके तो है? उसमें करना ये है हमें, हकीम साहब किसी के है, आप नीचे उतर के आओ ना, इधर आओ, क्या हुआ, नाराज हो गई क्या, हाथ पे के मुंह पे एक है, अच्छा फिर चेहरा है, नजर आ रही है एलर्जी, तो इसमें आपको करना ये है कि दही आपने, अच्छा जरा माइक इनको दो ना, माइक में बोलो ना मुझे, माइक दे दो प्लीज। अच्छा भाई इसमें हमें करना है कि दही एक चम्मच लिया हमने, हाँ, और इसमें दंदासा पिसा हुआ इस तरीके से डाल के कम से कम एक आध घंटा इसको हमें रखना है, हाँ, और उसके बाद आप देखिए ये पूरा जो है लाल हो जाएगा, हाँ, थोड़ी देर में दही लाल हो जाएगी, जी दही लाल हो जाएगा, और हाँ, इसको आप मरहम के तौर पे जहाँ जहाँ आपके जख्म है उधर लगाइए, जैसे दाद हो जाता है, दाद हो जाता है इसी तरीके से, मच्छर काट लेता है लाल निशान हो जाता है, ठीक है, इसी तरीके से जो एलर्जी, अक्सर एंटीबायोटिक खाने से, जैसे मेरी ये चीज पक जाती है और दाने ऐसे निकल आते हैं, अगर आप चाहती है फौरी रिजल्ट तो आप इसको लगाइए। ओके बताओ ना, किसी को निकला है कोई मच्छर का दाना या कुछ ऐसी चीज निकली? मैं चाहती हूँ फौरी रिजल्ट नजर आए, हैं अब ढूंढो आपके, इधर आओ, तरफ भाग के आओ, इस तरफ खड़ी हो, अगर आप पीस नहीं सकते तो इतने बड़े बड़े पीस जो है दंदासा के पैर पे, अच्छा इसको इस तरीके से दिखाएं जरा, ये मिला लिया आपने, जी मैंने, अभी इसका रेड होने का इंतजार करूं या लगा दूं? नहीं लगा सकती हैं अभी तो हमारे पास, किसको 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 सब किसको उसको जगह दो, आप इधर बैठी रहो, माँ बीच में बैठो, आपको नहीं कह रही, आप उस तरफ चली जाओ, आप बैठो, अब आप अपने हाथ से लगाओ पैर पे, कहाँ है निशान, मच्छर ने काटा, हाँ दाग पड़ गया, लगाओ इस पे उंगली भी लो, देखे ऐसे लगाना है हकीम साहब, जी बिल्कुल मरहम की तरह लगा के छोड़ दीजिए, और ये सुबह तक सब गायब हो जाएगा और बिल्कुल नॉर्मल, कल शो पे आके मुझे दिखाना। दूसरी चीज जो, अच्छा माशाल्लाह थोक के हिसाब से चीजें बता रहे, अभी रुक जाए ना, आपके पास दोबारा वापस आती हूँ। आपने अभी दो चीजें बताई मुझे, आपने बताई, आपने एक मंजन बताया जिसमें आपने दही में मिलाया दर्द के लिए, खाने के लिए, हाँ, और दांतों के लगाने के लिए मैंने एक मंजन बताया, ठीक है, जिसमें जो है दो चीजें थी, सौंठ और सौंठ कस्ते क्या कुश्तशीरी, कुश्तशीरी और तीसरा नमक, नमक, ठीक है समझ आ गई। ओके जी, नेक्स्ट टिप हम आपको क्या देने वाले हैं, टूथपेस्ट मंजन या मिसवाक से हम आपको क्या बताने वाले हैं, आइए चलते हैं डॉक्टर उमेर राहिल के पास।
अच्छा जैसे टूथपेस्ट की बात हो रही है या मिसवाक या मंजन की, तो उसमें जाहिर सी बात है दांतों के लिए होता है, ओरल हाइजीन के लिए होता है, तो उसमें जो भी चीज़ें होती हैं वो पूरी बॉडी के लिए बहुत अच्छी होती हैं। अच्छा, सिर्फ उसका इस्तेमाल कैसे किया जाए, इसलिए कि वो जो भी बैक्टीरिया होते हैं, जर्म्स होते हैं, प्लाक होता है, उसको ख़त्म कर रहा होता है। ठीक है, तो हम बहुत सारी चीज़ें हैं हम शुरू करते हैं एक करके। ठीक है, पहले हम करेंगे ब्लैक हेड्स कैसे रिमूव करते हैं, ब्लैक हेड्स एंड वाइट हेड्स। ब्लैक हेड्स आप टूथपेस्ट से करेंगे? टूथपेस्ट से। ओह ग्रेट, कि ब्लैक हेड्स और वाइट हेड्स आजकल हर किसी के मुंह पे हो रहे हैं। बिल्कुल, क्योंकि ह्यूमिडिटी वाला मौसम है। बिल्कुल ठीक है ना, उसकी वजह से सबके मुंह पे एकदम, मेरे खुद इतने हुए हुए ब्लैक हेड्स आ जाते हैं घर में कैसे। अच्छा, उसके लिए हमें जो है सबसे पहले चाहिए होगा टूथपेस्ट हम लेंगे। अच्छा, टूथपेस्ट जो लेंगे वो फ्लोराइड ले लेंगे, कोई सा भी ले सकते हैं लेकिन फ्लोराइड टूथपेस्ट है तो सही है। मतलब कि जो सफेद वाइट होता है इसमें भी देखिए टूथपेस्ट तीन चार तरह के, एक जेल वाला होता है, जेल वाला आता है, एक फ्लोराइड आता है, एक अपना मिसवाक के साथ आता है, एक नीम के साथ आता है, डिफरेंट डिफरेंट आ रहा है, अब तो चारकोल के साथ भी आ रहा है। ठीक है, ठीक है, सोडा के साथ भी आ रहा है। ये हम ले रहे हैं फ्लोराइड वाला जो सफेद है। ऐसा बिल्कुल ठीक है, इसको फिर हमने लिया और क्या किया? इसमें हम डालेंगे बेकिंग पाउडर। अच्छा, बेकिंग पाउडर हाफ टी स्पून हमने वो लिया पेस्ट और 1/4 डाला बेकिंग पाउडर। ठीक है, इसमें थोड़ा सा डालेंगे लेमन जूस। ठीक, चंद कतरे। हाँ, फ्लोराइड वाला टूथपेस्ट ले देखें, झाग बन गया, थोड़ा सा पेस्ट, बेकिंग पाउडर और लेमन जूस। ये पेस्ट बन गया। अच्छा, इसका तरीका क्या है लगाने का? आपने फेस वॉश किया है, उसके बाद इसको जो है जहाँ पे भी आपके ब्लैक हेड्स हैं, वाइट हेड्स हैं, या जहाँ पे बहुत रेगुलर बनते हैं, हाँ, उस पे आपने इसको इस तरह से, अभी रुकिए ना, हम लगाते हैं। ठीक है, हाँ, आप हाथ पे तो ब्लैक हेड्स नहीं बनते हैं। हाँ, देखते हैं। अच्छा, उंगली पे कैसे लगाना है ये फिर मुझे आप बताइएगा, मैं किसी को लेकर, किसके हो रहे हैं? कील महा से नहीं होते, तुम्हारे हो रहे ब्लैक हेड्स हैं? दिखाओ ज़रा, आओ वापस आओ, नीचे आओ, तुम ऊपर होना, ज़्यादा उतरने में प्रॉब्लम होगी। हाँ, आ जाओ, इसके इनके चेहरे पे ना लगा के आप बताइएगा कि कैसे हम इसको अप्लाई करें। ठीक है, और फिर क्या रिजल्ट आएगा और कितनी देर में निकल जाएंगे? आ जाओ, बैठो प्लीज, डॉक्टर मेरा ये बताएगा, प्लीज बैठ जाओ। हाँ, बताएगा कि कैसे हमने इसको अप्लाई किया। सोडा है, मीठा सोडा, टूथपेस्ट है, फ्लोराइड और लेमन जूस, तीन चीज़ों को। अब जैसे ब्लैक हेड्स हो रहे हैं इनके, हाँ ठीक है, या इस तरह से लगाया आपने, नॉर्मली नोज के ऊपर होते हैं और यहाँ पे होते हैं। इसके दो तरीके, एक तो जैसे आपने लगाया इसको और इसको जो है आप थोड़ी देर छोड़ देंगे। दूसरा जो एक चीज़ आती है, मैं दिखा देती हूँ आपको, ये आता है थंब पैड। ये क्या? थंब पैड, ये आराम से मिल जाता है 40-50 रुपए। किधर से मिलता है ये? हर जो भी मेडिकल स्टोर्स हैं मिल जाते हैं। इससे क्या करते हैं आप इसको करेंगे इस तरह से हल्का हल्का, ये लगाने के फौरन बाद, हाँ, थोड़ी देर लगाने के बाद ये थंब पे आपके आ जाएगा। और इससे क्या होता है जब आप वॉश करते हैं तो फौरी तौर पर ब्लैक हेड्स ख़त्म हो जाते हैं। हाँ, आप इसको फील करें कि थोड़ा सा ना स्क्रबिंग कर रहे हैं, हाँ, उसको निकाल लेता है, इसलिए कि आपने पेस्ट लगाया है, हाँ, और बेकिंग पाउडर जो है वो उसको निकाल देता है, पप आउट करता है और उसको अंदर से ये निकाल देता है थंब पैड जो है। ओ, इस तरह से। अगर किसी के पास ये नहीं है तो वो उसको थोड़ी देर लगा के छोड़ उसके बाद नहीं ये कर, उसको टूथब्रश से कर लें, टूथब्रश, हाँ, टूथब्रश से कर लें, या मिसवाक की जो लकड़ी होती है जो करते हैं तो चबा के उससे आपने इस तरह से कर लिया तो इसको ये पूरा बाहर आ जाएगा। और उसके बाद थोड़ी देर छोड़ दें सूखने के लिए, जब वो ड्राई हो जाएगा तो उसको वॉश कर लें, ब्लैक हेड्स फौरी ख़त्म हो जाते हैं। अच्छा, पता है ये खाली ख़वातीन मर्दों के भी होते हैं, बहुत सारे मर्द जो मोटरसाइकिल चलाते हैं, बाइक चलाते हैं या कोई बाहर का काम करते हैं, मर्द तो जाते नहीं फेशियल कराने, तो वो उनका चेहरा कुछ अजीब सा लग रहा होता है, तो बेगमात या घर में बहने या जो भी हैं माएँ वो अपने बच्चों के साथ कर सकती हैं, क्योंकि आप मर्दों को भी अच्छा लगने का हक है भाई, है ना, ये लगा लें, क्योंकि वो तो फेशियल कराने जाएंगे नहीं, तो आप अपने घर के मर्दों को ये लगा के जाते हैं जी, बहुत काम अब जाने लग गए, अब ट्रेंड हो गया है, अब फीमेल से ज्यादा जो है वो मेल्स में अवेयरनेस है, जो नहीं जा रहे उनके घर में किया जा सकता है। हाँ, ये तो बिल्कुल, घर नहीं जाते ससुतन को जबरदस्ती पकड़ के घर में कर, और कुछ भी नहीं तो आपने मिसवाक से या ब्रश से उसको रगड़ा, हाँ, और बस वॉश कर, जबरदस्त जबरदस्त, प्लीज थैंक यू। थोड़ी देर में ड्राई हो जाएगा, फिर ये आप कार्टून जो बनी है उससे परेशान नहीं होंगे। ठीक है, अच्छा जी, ये तो हो गया ब्लैक हेड्स का रिमूव। अच्छा, एक चीज बहुत इंपॉर्टेंट, दांत का दर्द। हाँ, अब जब टूथपेस्ट की बात हो रही है और दांत का दर्द ही होता है, कि दांत का दर्द होता है, बहुत बुरा दर्द होता है, क्या किया जाए? तो उसमें डिफरेंट होता है कि पेस्ट जो है आप थोड़ा सा, जैसे लाइक क्लोव आता है, क्लोव लौंग का तेल आता है, वो लगाते हैं। लेकिन अगर किसी के दांत में बहुत शदीद दर्द हो रहा है तो एक बहुत ही आसान सा हल है इसका, मिसवाक वाला टूथपेस्ट लीजिए और जहाँ पर दर्द हो रहा है, जिस दाढ़ में जिस जगह दर्द है उसके ऊपर हल्का सा वो टूथपेस्ट लगाएं
और ये एक हर्ब आती है. ये क्या है? कबाब खंदा. कबाब खंदा. और इसको सिर्फ आपने जिसके दर्द है हाथ में पकड़ा दें है? और दांत का दर्द 5 मिनट्स के अंदर ख़त्म हो जाता है और कम से कम 5 घंटे के लिए सुकून आ जाता है. यहाँ पे किसके दांत में दर्द है? है वो बच्ची के दांत में दर्द है. बिल्कुल, ये लगा दे. खंदा है ये? कबाब खंदा. कबाब खंदा. और ये मिसवाक का पेस्ट लगा के उसको हाथ में लगा देंगे. हाँ, और कितनी देर में सही होगा? 5 मिनट में दर्द खत्म हो जाता है. ओके. हाँ भाई, अम्मी कहाँ है बेटी की? जिस साइड में दर्द है उसी हाथ में पकड़ना है. भाई अम्मी कहाँ है इसकी? आपकी सिस्टर है तो आप अपने हाथ से इसके दांत पे लगाओ. कहाँ? अपने हाथों से लगा लेगी. लगाओ, खुद लगा लो. शर्मा क्यों रही हो? हाँ, आके छोटी छोटी पालू है. कीड़ा लगा हुआ है. अच्छा, आप कीड़ा लगा है तो क्या करें? नहीं, आप ये तो दर्द तो खत्म हो जाएगा. अच्छा, आप हाथ खोलो बेटा ऐसे. नहीं, जिस साइड पे लगाया उसी हाथ में पकड़ा. जिस तरफ दर्द है? बिल्कुल. किस तरफ दर्द है? इधर. हाँ, ये लो मुट्ठी. लो भर के हाथ में पकड़ लो. ये सही है? काफी है? बस मुट्ठी. ये दिखाए जरा कितना लिया. ओके, अब इसको मुट्ठी को ऐसे बंद करो. अच्छी तरह मेरी मुट्ठी में बंद है. क्या? कबाब खंदा. ठीक है, अब भी दर्द है ना? अब 5 मिनट बाद तुमसे फिर पूछने आऊंगी दर्द है कि नहीं. सच, बच्चे तो झूठ बोलते नहीं है. सच सच बताना. ठीक है, ऐसे पकड़ के बैठी रहना जब तक मैं आऊँ ना. ये किसी को देना नहीं, अमानत है. डन है? चल. कीड़े हो तो प्याज के बीज पीस के उस जगह पे रख दीजिए. प्याज के बीज? बीज. अब वो बच्ची कहाँ से लेकर आए प्याज के बीज? घर पे अमूमन कलौंजी होती है, प्याज के बीज मिलते जुलते होते हैं. कलौंजी पीस के लगा दें या प्याज के. ठीक है, ठीक है, बहुत अच्छा आइडिया. हाँ भाई, क्या ख्याल? यार मैं पता है आज चाह रही हूँ कि ब्रेक में ऑडिशन हो जाना किसी का. माइक किधर है? माइक. अच्छा, मैं चाहती हूँ ना आप ब्रेक पे जाएं. ठीक है, अब वो भूल जाएं आपकी नाक पे ये लगा है, चिन पे ये लगा है, भूल जाएं. कॉन्फिडेंस, मैं देखती हूँ ख्वातीन में कॉन्फिडेंस होना चाहिए. वो कॉन्फिडेंस आपको, आपने ब्रेक पे जाना है. हम निदा यासिर का शो देख रहे हैं गुड मॉर्निंग का. जो भी दिल चाहता है बोलो. अपने मियाँ को कुछ कहना है? आपने मुझे मैके नहीं लेके गए, एक हफ्ता हो गया है. कुछ भी कहना है वो कैमरा आप. जी, माइक करीब लाओ. हाँ, पहले सबसे पहले अस्सलाम वालेकुम. प्रोग्राम शुरू नहीं करना, ब्रेक पे जाना है. हाँ, आप बहुत अच्छी लग रही हैं आज. थैंक यू. बीच में आप नहीं आ रही थी तो हम बहुत याद कर रहे थे आप. ये तो पूरी ऐसे लिख रही है मेरे ऊपर. हाँ, ब्रेक पे जाना है. गुड मॉर्निंग पाकिस्तान, मिलते हैं एक छोटे से ब्रेक के बाद. बताओ ना. गुड मॉर्निंग पाकिस्तान, मिलते हैं एक ब्रेक के बाद. ये इतनी गम होगी. ओह माय गॉड. गुड गुड गुड. ये वेलकम बैक, गुड मॉर्निंग पाकिस्तान. आज आप, अरे वाह, आवाज़ कितनी अच्छी हो गई. मैंने कॉफ़ी पी है इसलिए बस पूरे वक्त कॉफ़ी चाहिए मुझे. कॉफ़ी कॉफ़ी. हाँ, तो आज हम क्या कर रहे हैं? आज हम आपके सामने शो लेकर आए हैं मंजन, टूथपेस्ट और मिसवाक. वो सब चीज़ें जो आपके दांत को साफ करती हैं, वो किस तरह आपके और फ़ायदे, आपको और फ़ायदे पहुँचा सकती हैं, ये हम आपको बता रहे हैं. हमारे साथ हकीम अब्दुल बासित साहब है, हमारे साथ उमर राहील है, डॉक्टर उमर राहील और डॉक्टर बतूल है. और डॉक्टर बतूल के पास अभी हम आए कि ये क्या बताने वाली है. अभी तक हमने आपको क्या बताया? अभी तक हमने आपको बताया जिस्म में दर्द हो रहा है अगर, तो किस तरह मंजन बनाएं और अपने जिस्म के दर्द को दूर भगाएं. फिर हमने आपको बताया ब्लैक हेड्स, किस तरह वाइट हेड्स, ब्लैक हेड्स किस तरह रिमूव कर सकते हैं मिनटों में. 7 दांत में दर्द हो अगर तो सिर्फ टूथपेस्ट और क्या था उसका नाम? कबाब खंदा हाथ में लिए. बेटा इसको माइक दीजिएगा जरा. 5 में हाथ में मुट्ठी में बंद करके दर्द कैसे गायब हो सकता है? सच सच बताओ, दर्द गायब हुआ थोड़ा बहुत कि नहीं? हाँ, देखा, बच्चे झूठ नहीं बोलते. कबाब खंडा हाथ में और टूथपेस्ट दर्द के ऊपर, चाहे कीड़ा भी लगा हो, इमीडिएट सुकून आता है. ठीक है, अब हम डॉक्टर बतूल के पास खड़े हैं और हम क्या सुनने वाले हैं? हम जो है अभी मैं एक्नी स्कार का ट्रीटमेंट बता रही हूँ. अच्छा. जो घड़े हो जाते हैं एक्नी के बाद. हाँ. निशाना सही हो जाते हैं. सलमान खान के भी घड़े हैं जी. मैं तो हैरान रह गई देखी जब मैंने देखा इतने घड़े. उसकी तो स्किन बड़ी अच्छी आती है मगर वो कैमरा वर्क और मेकअप वगैरह से होता है. असल में उसके भी आए हैं घड़े. बिल्कुल, शाहरुख खान के भी हैं. शाहरुख खान को मैंने नहीं देखा लेकिन सलमान खान के मैंने देखे हैं. तो वो जो घड़े होते हैं बेसिकली उनको जो है ऊपर किस तरह लेकर आ सकते हैं हम टूथपेस्ट की मदद से. अच्छा. ठीक है, और बाकायदा ऐसी क्रीम्स वगैरह अवेलेबल होती हैं, उसमें टूथपेस्ट नहीं होता डेफिनेटली, लेकिन जो टूथपेस्ट में चीज़ें होती हैं वो ज़रूर शामिल होती हैं. तो इस वक्त हम वो टूथपेस्ट यूज़ करेंगे जो आपने सुना होगा, जिसमें यूकेलिप्टस होता है, नीम होता है, ठीक है, और जो है वो सोडा होता है.
ठीक है, तो हम जो है वो बिल्कुल जरा सी क्वांटिटी यूज करेंगे। हाँ ठीक है, तकरीबन इसमें आपने कहा यूकेलिप्टस है, नीम है, यूकेलिप्टस हुआ सफेदे के पत्ते का, सफेदे के पत्ते पे, सफेदे के पत्ते, ठीक है, नीम, नीम, सोडा, सोडा होता है और फ्लोराइड होता है, सॉरी, ये इंग्रेडिएंट्स आप नोट कर लेंगे, टूथपेस्ट इतना मिकदार है, ठीक है, बिल्कुल इतनी मिकदार बहुत है ये दो गालों पे लगाने के लिए। इसमें हम शामिल करेंगे विटामिन ए की क्रीम, बिल्कुल मटर के दाने जितनी, इतनी सी देखे क्वांटिटी में निकाल रही बस, ठीक है, क्यों, इसलिए कि इसको इतना कम इसलिए इस्तेमाल करना है कि विटामिन ए की क्रीम ड्राइनेस बहुत तेजी से कराती है, तो नो मैटर कितनी ही ऑयली स्किन क्यों ना हो, जब ये लगाएंगे दिन में 2 घंटे लगा कर रखें और रात में लगा के सो जाएं इसको, ठीक है, ठीक, 15 दिन से लेकर 6 हफ्ते तक के डीप से डीप स्कार ऊपर आ जाते हैं, बस 2 चीजें लगा, बिल्कुल ये 2 चीजें हैं, और इसमें हम शामिल करेंगे विटामिन सी के 2 ड्रॉप्स ताकि रीजनरेशन बहुत तेजी से हो, 2 बस, ठीक ठीक, दैट्स इट, बस ये लगा के हमने, इससे मार्क्स भी आपके खत्म होंगे, इससे जो है वो तेजी से घड़े ऊपर आएंगे, किसी के हैं घड़े मुंह पे हैं, हैं खड्डे खड्डे हैं, मैं एक मिनट, अच्छा हाँ, ये जो मैंने चीजें बताई हैं, देखिए इसमें क्योंकि विटामिन ए, विटामिन सी, जिंक, यूकेलिप्टस और ये सारी चीजें, नीम, तो इससे ही होगा, ये सिर्फ जो है किसके, आपके 12 साल से लेकर 30 सालों के लोगों के लिए, ऊपर लगा दो, अच्छा भाई वो कह रही है मैं नीचे नहीं आ रही, आप ऊपर आ जाए, वाह, एक मिनट मैं ऊपर कोशिश करती हूँ कि कैसे, मैंने इस मॉर्निंग शो के लिए सर्कस की ट्रेनिंग ली नहीं है लेकिन चल, ये खुद भी फेस पे लगा सकते हैं, आराम से मसाज कर, कैसे हो गए तुम्हारे घड़े, दाने वगैरह हो गए थे, दाने नोचे हैं ये, नोचे नहीं आपने, यूं नहीं किया कोई भी ब्लैक हेड वाइट हेड निकालने की कोशिश नहीं करी है, कोई माइक दे दो प्लीज, देखिए सही लगा रही है, बिल्कुल सही लगा रही है, जस्ट करना है आपने, अच्छा इसका कलर भी ऐसे कितना पता भी नहीं चल रहा, बिल्कुल, अच्छा ये दिन में कितनी दफा लगाना है, ये दिन में 2 घंटे, दिन में 2 से 3 मरतबा लगा सकती हूँ, रात में तो लगा कर सो जाएं, ओके ठीक है, लेकिन देखिए टूथपेस्ट का ख्याल रखना है, टूथपेस्ट आपने वही यूज करना है जो मैंने बताया है, अच्छा, जिसमें यूकेलिप्टस, नीम, नीम और जो है फ्लोराइड, फ्लोराइड, ठीक है, और सोडा शामिल होता है, और सोडा, ठीक है, इसके अलावा ये देख देख के लीजिएगा, बिल्कुल, टूथपेस्ट का नाम भी बता दें, अब चुपके से बताएंगे, ब्रांडिंग हो जाएगी, विटामिन ए की ट्यूब में लिख कर दे दूंगी फिर आपको, विटामिन ए की ट्यूब में मिलाई है इसके अंदर, विटामिन सी के ड्रॉप्स मिलाएं, और टूथपेस्ट, नीम, यूकेलिप्टस, फ्लोराइड और चौथा सोडा, 4 चीजें मुझे याद हो गया, तुम लोगों को भी होना चाहिए जी, नेक्स्ट क्या आप बता रहे हैं, नेक्स्ट हम बता रहे हैं फ्रेकल्स के लिए, ठीक है, फ्रेकल्स, छाइयां, काले 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 निशान, बिल्कुल, उसके लिए हम लेंगे वो वाला टूथपेस्ट जिसमें फ्लोराइड होता है, सिर्फ फ्लोराइड, कैल्शियम कार्बोनेट होता है, जो भी वाइट कलर की क्रीम जो भी आपको मिल रही है आप वो ले सकते हैं, ठीक है, ये देखिए, अच्छा आपने मुझे ये नहीं बताया इन्होंने कितनी देर तक लगाना है, ये इन्होंने दिन में 2 घंटे लगाकर वॉश कर लेना है, और रात को जब और जितने इनके डीप थे वो 2 से 3 मरतबा दिन में लगा सकती हैं, लाइक सुबह 2 घंटे लगा लें, लेकिन इसको लगाकर चूल्हे के आगे नहीं जाएंगे, अच्छा ये नोट करें, बिल्कुल, और 2 घंटे उस वक्त, 2 घंटे उस वक्त लगाइए, चूल्हे के आगे, चूल्हे के आगे नहीं जाना, बाहर नहीं निकलना, सूरज की रोशनी नहीं लगे, कोई भी हीट हो, चाहे चूल्हे की हो चाहे सूरज की हो, ठीक है, अब हम जो है बना रहे फ्रेकल्स, जो बिल्कुल जो है झाइयां तेजी से पड़ती हैं, फैल जाती हैं, ठीक है, उसके लिए हमने जो है ये टूथपेस्ट ले लिया फ्लोराइड वाला, जिसमें कैल्शियम कार्बोनेट भी होता है, थोड़ा बहुत सोडा डला हुआ होता है, सॉर्बिटॉल होता है, एल्कोहल की फॉर्म है, इसमें हम शामिल करेंगे 1 चम्मच पानी, ठीक, और हमने 1 गोली डाली है डिस्प्रीन की, ठीक है, सर दर्द की जो गोली होती है, सही, क्योंकि इसमें सैलिसिलिक एसिड होता है, वाला टूथपेस्ट, टूथपेस्ट, ठीक है, और 1 सर दर्द की गोली, ठीक है, ठीक है, इस तरह जो है झाग बना के छोड़ देते हैं, और इसमें हम थोड़ी सी लेंगे बिल्कुल चीनी 1/2 टीस्पून, ठीक, और फिर हम इसमें शामिल करेंगे बिल्कुल 1 चुटकी सोडा, सही, बस ये चीज़ें मिक्स करके अच्छी तरह जो है वो फेस पे लगा लेना है, ये सब दिन में 1 दफा लगाना है 2 घंटे के लिए, 2 से 3 घंटे के लिए, दिन में 1 दफा लगाना है बस, 2 से 3 घंटे के लिए, 6 हफ्ते में जाकर झाइयां बिल्कुल सही हो जाती हैं इससे, और झाइयों की वजह से झाइयां वापस आती है, झाइयां वापस आने का रीजन होता है वो मेंटेनेंस थेरेपी कराती है, आपको रीजन जो है वो सॉर्ट आउट करना है कि आपको प्रेगनेंसी के बाद हुई है, किस वजह से हुई है, फॉलिक एसिड की कमी की वजह से हुई है, विटामिन ई की कमी, आयरन की कमी की वजह से हुई है, थायराइड उसका रीजन है,
तो वो आपने सॉर्ट आउट करना है कि किस वजह से आपको झाइयाँ हुई थी, उसका फिर उसी लिहाज से आपने 3 महीने तक के फर्दर वाइटामिन ई का इस्तेमाल, फॉलिक एसिड का इस्तेमाल, दूध का इस्तेमाल, कैल्शियम, वाइटामिन डी आपकी नॉर्मल होनी चाहिए, उसको मेंटेन करने के लिए एटलीस्ट आपने 3 महीने यूज़ करना है, तो फिर वापस नहीं आती झाइयाँ। ठीक है, ठीक है। अब ये छाइयों के ऊपर लगेगा? हाँ? ये छाइयों के ऊपर लगेगा। किसी के यहाँ है छाइयाँ? है किसी को छाइयों की प्रॉब्लम? किसी को नहीं है? आपको है? शुक्र है भाई, छाइयों की प्रॉब्लम तो बहुत तकलीफ दे होती है। और ये उन लोगों के लिए बेस्ट है जिन्होंने फार्मूला क्रीम इस्तेमाल की हो। आपकी, आपको क्या क्या लगाए? चले लगा। इनके झाइयाँ बहुत सीवियर है ना, इन्होंने अभी बेस से छुपाया हुआ है। वो धो लिया आपने जो हमने आपको लगाया था ब्लैक हेड्स और व्हाइट हेड्स? देखिए आपकी स्किन, माइक माइक मेरी जान, माइक दे दो माइक, ये ना वो बेचारी ब्रेक पे जाने के इंतजार में बैठी है माइक लेके, अभी जाएंगे, अभी जाएंगे, फिक्र नहीं करो। हाँ, मेरी झाइयाँ बहुत है, बढ़ती ही जा रही है, पहले यहाँ थी, प्रेगनेंसी के बाद ही हुई है और अच्छा। अभी ये ऊपर भी जा रही है, नोज पे है, हाँ। ये है इस तरफ, इसका मतलब आपके देखिए ब्लैक हेड्स व्हाइट हेड्स भी होते हैं, झाइयाँ भी हैं, आप ख्याल नहीं रखती स्किन का? ख्याल तो रखते हैं। बुरे रंग की क्रीम लगाई कि नहीं? नहीं, क्रीम शादी शादी होने से पहले लगाई होगी, देखो जो ना रिश्ता अच्छा। नहीं नहीं, शादी से पहले नहीं लगाई, क्योंकि फैमिली में शादी हो तो फिर गोल्डन पर्ल ऐसी कोई एक आधी क्रीम लगा, मतलब है उसके मैं नहीं जानती क्या नाम लिया इसने, आवाज नहीं आई, बस उड़ गई। हाँ, तो वैसे कोई क्रीम नहीं यूज करते, लेकिन ऐसी बढ़ती जा रही, दूध वगैरह भी पीते हैं लेकिन कम नहीं हो रही। और धूप में निकलना ज्यादा होता है? जी, धूप में तो ज्यादा ही होता है। और कुछ तुम सनब्लॉक तो लगाती नहीं होगी? नहीं, सनब्लॉक नहीं लगा। चलो, अब वो पूछेगी ये क्या होता है ना, मतलब हमें, मैं नहीं लगाती थी, मैं तुम लोगों से क्या बोलूं, अब लगाना शुरू किया ये, इन लोगों ने बताया है, बोला है, तो मैं भी नहीं लगाती थी, कौन लगाए, सांस घुटता था मेरा, पता नहीं क्यों, ये लो लगा, ये लगाओ जरा, देखिएगा आप सही लगा रही, माइक तो और पकड़ ले जरा बहन। हाँ, है तुम्हें झुमके तो बड़े अच्छे लग रहे। हाँ, जिनके हाथ में माइक है उनके झुमके तो दिखाई, जब तक ये आप लगाए लगाए, मैं तो झुमके देख रही हूँ, कहाँ से आए ये झुमके, किसने दिए ये झुमके, कितने के रहे ये झुमके, आप आप आपके झुमके है ना, आपसे पूछ रहे हैं, वो लगाए लगा, आप लगाए, अपना काम करें आप, मार्केट से बाजार से लेकर आए, अच्छे लग रहे हैं, है दिखाओ जरा, मैं पहन के देखूँ मेरे पे कैसे लग रहे हैं ये, मुझे मुझे झुमके बड़े अच्छे लगते, लेकिन जो कपड़े मैंने पहने उसके साथ जाएंगे नहीं, है ना, कैसे लग रहे गोल गोल चेहरा, कह रही चेहरा गोल गोल, झुमके भी गोल गोल, बड़े अच्छे लगे, व्हाट अ कॉम्प्लीमेंट है, हाय हाय, आप मुझे भगाना चाह रहे हैं कि जिनको बहुत अच्छे हैं, नजर उतार लीजिएगा, बड़ी प्यारी लग रही है, एक मंजन की तरकीब है ये, मंजन की तरकीब है, मेरे तो गले में कुछ हो रहा है, सही हो रहा है गला, सही हो रहा है, ये बेसिकली जो है ये है? सिर्फ बादाम के छिलके और छालियाँ है, अच्छा, इसे हमने जलाना है और जलाने के बाद ये हो जाएगा, तो अभी हम ग्राइंडर में इसको पीसेंगे। हाँ। और इसमें सिंपल तो डामों में दिखाते हैं जिनको भगाने के लिए बिल्कुल ऐसी सीन है, अभी आती हूँ आपके पास, वो कितना लगाए बेचारी, लगाई जा रही है, लगाई जस्ट कर लें, अभी जस्ट नहीं किया, अच्छा बात सुने, ये जिस तरह पहले था ना सफेद सफेद नहीं नजर आना चाहिए, इसको जस्ट कर लेते, क्रीम को जस्ट करते हैं ताकि अंदर पेनिट्रेशन हो, जब पूरे महीने का आज ही लगाई जा रही, इसको जस्ट कर, देखो ऐसे ब्लेंड करो, ऐसे दूसरा कर ले, क्या खराब है ओ भाई, वो फायर अलार्म बच जाएगा, रऊफ भाई आ जाएंगे कि क्या हो गया मेरे स्टूडियो में, थोड़ी उसको ब्रेक पे जाना है अभी हमें, हौला हाथ रखे, अच्छा नहीं मक्खियां नहीं है यहाँ, मैं हूँ, हाँ ये कह रहे मक्खियां भी भाग जाएंगी, दरवाजा खोलो हम ना भाग जाए, नहीं नहीं मैं हटा रहा ये काम करने से पहले बता नहीं सकते थे, हाँ हो गया भाई, ब्रेक पे चले जाओ, खुदा के लिए हंसा यार, स्क्रीन के बाहर भी आ रहा होगा आज, हकीम साहब ने जो है ना वो चाह रहे सिर्फ मैं रहा हूँ, सब निकल जाए वन मैन शो आपकी, आप बता रही है मुश्किल से गला सही हुआ था ब्रेक ले लेते हैं मैम,
माजरत के साथ जरा बहुत धुआं हो गया। बाजी आपके पास था ना माइक जी, एक मिनट, कॉन्फिडेंस कॉन्फिडेंस जी, उधर देखें वो कैमरा आपका 3 जन्म, आप देख रहे हैं नीता, जोर से एनर्जी के साथ आप देख रहे हैं, आप देख रहे हैं, आप अपने मियां को उठाइए, सुनिए ऑफिस जाना है इस तरह, हाँ। आप देख रहे हैं निदा यासिर का शो, मिलते हैं छोटे से पेट से आवाज, आप देख रहे हैं निदा यासिर का शो, मिलते हैं जैसे अपने बच्चों को डांटती हो ना कमबख्त, कितनी आवाज निकालूं, और जोर से जितना निकाल सकते हो एनर्जी, आप देख रहे हैं निदा यासिर का शो, मिलते हैं छोटे से ब्रेक के बाद, ये गुड वन, वेलकम बैक, गुड मॉर्निंग पाकिस्तान विद निदा यासिर। क्या मेरी ऑडियंस देखी है, आई एम प्राउड ऑफ यू, देखा कितनी कॉन्फिडेंट हैं ये खवातीन, इनका कॉन्फिडेंस सिर्फ लड़ाई में झगड़े में घर में नजर आता है, सास के साथ जब लड़ी होती है, लेकिन अब आज हमारे शो पे सा भी नजर आ रहा है और सब एक से एक है, सबको मौका दूंगी जाने और आने का, ठीक है, हमारे में कहाँ है ये कैमरा है, मुंह तो मेरी तरफ कर लो, हाँ हाँ, तो आज हम आपको अपने शो पे दिखा रहे हैं कि मिसवाक, टूथपेस्ट और मंजन, इन तीनों चीजों से आप दांत साफ करने के अलावा क्या फायदे उठा सकते हैं, इतने फायदे बता चुके हैं, अभी और भी बताने हैं। आइए जी, किसकी बारी थी, हकीम साहब की जी, हाय हाय हकीम साहब, सारा अच्छा, नजला अंदर तक, वो बेसिकली जो दांत हिलते हैं, दांत जो है कमजोर हो जाते हैं, उसके लिए बादाम के छिलके, सुपारी, दो चीजें, और उसके अलावा उसमें जो डरेगा, दांत किसके हिलते हैं, तो बच्चों के हिलते हैं, बच्चों और के बुजुर्गों, और वो लोग जो कि केयर नहीं करते, वो लोग जो दांतों की केयर नहीं करते, रोजाना पेस्ट नहीं करते या मंजन नहीं लगाते, तो एक वक्त 35-40 साल की उम्र में ऐसा आ जाता है कि उनके दांत हिलने लगते हैं, मसूड़े जो पिलपिले हो जाते हैं, तो उनके लिए ये मैंने आपको बताया था। अभी आपको तो 10 साल है, 35-40 साल में है कि नहीं, सही कह रही हो ना, आप दांत चेक कर सकते हैं, बिल्कुल ठीक है अभी तक तो, अल्लाह का शुक्र है, लेकिन अगर मैं दांत चेक कर सकती हूँ, अब मैं चेक करूँ कैसा लगेगा, देख कर तो जैसे माशाल्लाह आपके दांतें बेस्ट हैं, माशाल्लाह उसमें कोई ऐसी मसूड़ों में खराबी नहीं है, और वरना अगर खराब भी हो तो मेरे डेंटल सर्जन ने मेरे दे, हाँ, दूसरा ये कि उसमें ये होता है जो खराबी जो शुरू होती है ना, मुझे याद है कि मसूड़ों में लाल पना खत्म होने लगता है, वो जड़ें जो है छोड़ना शुरू, आज कोई दांतों का प्रोग्राम नहीं है, नहीं मैं एक जनरल बात कर रहा हूँ, मस्ती कर रही हूँ, अच्छा अब ये कि हमने ये किया कि बादाम का छिलका और सुपारी, ये आपने देखा, ये वो है जो जिनके दांत हिलने लगते हैं, दांत में दर्द होता है, दर्द होता है, सुपारी कौन सी है जो ये आम छालिया खानदान से निकलती, ये मैंने जो आम छालिया जो आम छालिया, और ये बादाम का छिलका है, इसे हमने जला लिया, ये वो बादाम का नहीं जो निकाह में मिलता है ना, जो शादी होती है, तो और इसमें हमने करना ये है कि तकरीबन ये 100 ग्राम ले लेना है बादाम, 100 ग्राम जो है छालिया, इन दोनों को अच्छी तरीके से जला लेना, और उसके बाद काली मिर्च इसमें जो हमको ऐड करना है, बस सिर्फ काली मिर्च, और इसके बाद लाहौरी नमक, ये हमने लाहौरी नमक रखा हुआ है, पिसा हुआ, तो ये बेसिकली चीज़ें हैं, इसे अभी हम ग्राइंड नहीं कर सकते क्योंकि ये बड़ा सख्त है, इसको और जला बस मशीन में या हावन दस्ते में, हावन दस्ते में कूट 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 के इसको इस्तेमाल कीजिए, तो इसमें आप देखेंगे काली मिर्च, नमक और छालिया और बादाम के छिलके जले हुए, ये अब इसमें, इसके बाद एक और मैं चीज़ बता दूं कि जिनके बहुत ज़्यादा दांतों में टार्टर आ गया है या चमक में कमी आ गई है, तो उसके लिए फौरी तौर पे चमकाने के लिए दांत चमकाने के लिए ब्रश, ये हमारे पास है, इसमें हमने किया है कि सिंपल सा जो है नींबू का अरक जो है वो हमने निकाल लिया, इसमें और कुछ नहीं है, सिर्फ नींबू का अरक जो है ये आपको डाल लेना है, तो ये पेस्ट से या मिसवाक से इस तरीके से इसको डिपो के और अपने दांतों में लगाइए, 5 मिनट में आपके दांत चमक जाएं, वो जो इतने पीले पीले हो जाते हैं ना, वो समझ नहीं आता कि वो कैसे साफ हो, तो बड़ा अच्छा है मिसवाक में नींबू का रस लगा के उसको पेस्ट की तरह बस मान जाए, और उसके बाद नींबू के दूसरे फायदे ये हैं कि अगर आप को मतली हो रही है, नोजिया हो रहा है, तो फौरी तौर पे इसके 2 चमचे जो नींबू पानी जिस तरह हम पानी में ऐड करके आप पी सकते हैं, यहाँ तक कि अगर जिन लोगों के गलों में दर्द हो रहा है वो गर्म पानी में इसको डाल के इसके गरारे करें, 5 मिनट में दर्द। आज का हमारा टॉपिक नींबू नहीं है, मंजन है, लेकिन आप मिसवाक के साथ ये करेंगे जी, मंजन, मिसवाक और टूथपेस्ट जी, हकीम साहब भूल जाते हैं हम टॉपिक क्या हमारा। अब ये आखिरी जो है मैं आपको बताऊंगा, उसमें हमको लेना है मिर्च सिया, बचा के तो रखिए, कुछ अगली दफा आऊंगी तो क्या बताएंगे, मैं चला जाऊंगा ना, क्यों जाएंगे, मैं तो नहीं आपको जाने दे रही आज। हाँ भाई
हम नहीं जाने देंगे, है ना। चलिए जी हम चलते हैं डॉक्टर उमेराई की तरफ। जी पहले हमने आपसे सुना कि ब्लैक हेड्स किस तरह रिमूव होते हैं, दांतों का दर्द और दांतों का दर्द। जी ठीक है, ठीक है। अच्छा अब जो है हम जैसे बतूल ने बताया एक्नी स्कार्स के लिए, तो एक्नी जो हो जाती है या रोजेशिया जो स्किन पे एलर्जी हो जाती है, दाने निकल आते हैं खत्म नहीं होते, या बारिश आई तो दाने निकल आए, गर्मी है तो दाने, किसी भी तरह के दानों के लिए ठीक है हम लेंगे टूथ पाउडर। टूथ पाउडर ले लिया, टूथ पाउडर यानी मंजन। मंजन अलग होता है, पाउडर अलग मिलता है। पाउडर क्या कह के वो हम मतलब पाउडर ही मिलता है, अब ब्रांड का नाम डिफरेंट पाउडर के व्हाइट कलर में ही होता है। समझ गए ना आप? हाँ समझ गए, हाँ समझ गए ना, बंदर था उस बोर्ड के पीछे। हाँ बस वही। अच्छा इसके बाद जो है इसमें हम डालेंगे, पहले हमने टूथ पाउडर ले लिया, उसके बाद हाफ टी स्पून उसमें नीम का जो है वही वाली चीज जो वो वाला टूथपेस्ट जो डॉक्टर बतूल ने बताया था जिसमें नीम है, यूकेलिप्टस है, फ्लोराइड है और सोडा, वही वाला ठीक है। ठीक है ये भी ले लिया हाफ टी स्पून, ये इस कलर का होता है। और इसमें हम डालेंगे हाफ टी स्पून नीम की निम्बोलियाँ। नीम की निम्बोलियाँ ये क्या होती है? नीम का जो फल होता है, छोटी छोटी गोलियाँ सी जैसे होती है, उसके ऊपर फल कहलाता है, नीम की निम्बोली कहलाती है वो। अच्छा ठीक है, इसको हमने मिक्स किया, पेस्ट बन जाएगा ये दांतों, सॉरी दानों के लिए, दाने जंग हो जाते हैं और रोजेशिया आपने रोजेशिया। हाँ। अच्छा होता है क्या कि दाने हो गए, अब कहीं जाना है तो बड़े मुश्किल हो जाती है, तो ये आप बना के रात को लगा लें और सुबह वॉश करें, दाना मोटा हुआ है जैसे मैंने एक दाना। हाँ, बिल्कुल शो पे आना है, रात को निकल आया, रात को लगाएंगे सुबह वॉश करेंगे दाना बैठ जाएगा। ओ ये यहाँ लगा के बिल्कुल इसको अच्छे से आप मास्क का बनेंगे, सुबह दानों के ऊपर से लगा दिया, लेप कर दिया और सुबह उसको वॉश। किसी के दाने मेरे एक मोटा सा यहाँ निकला, जैसे तुम लोगों के निकले किसी के, इधर आओ इधर आओ, जो सीजन के हिसाब से निकलते हैं कभी कभार उनके लिए ये बेस्ट होता है। तो ये लगता लेप लगा रहे हैं बस आपको, इधर आ जाओ मेरे पास आओ ना, ताकि जरा निकल आते ना यार, ऐसे इतना गुस्सा आता है जिन पे, इधर आओ इधर आओ। हाँ और खास तौर पे जब घर में कोई दावत है ना जिसकी आप तैयारियां कर रहे हैं, आप अपने कपड़े बना रहे हैं, एक मोटा सा दाना निकला है वो बहुत बुरा लगता है, उसको कैसे छुपाएं। हाँ तो ये आप लगा लें, वो दाना फौरन बैठ जाएगा। सोडा होता है ज्यादा जो है स्टेरॉइड की क्वांटिटी होती है, जिनको कहते हैं व्हाइटनिंग टूथपेस्ट है, वो कभी भी ओवरनाइट ना लगाएं, और जिनमें फ्लोराइड की क्वांटिटी, क्योंकि वो स्किन इरिटेंट होते हैं उससे स्किन आपकी बर्न हो जाती है, दाना तो सूख जाएगा उधर ही लेकिन सराउंडिंग स्किन बर्न हो जाएगी, और वो फिर जो है वो तकरीबन 6 हफ्ते से लेकर 3 महीने लेती है वो काला दाग हटाने में। दाना तो बिल्कुल वहाँ पे सूख जाएगा, ड्राई हो जाएगा, लेकिन ओवरनाइट सिर्फ ये वाला टूथपेस्ट यूज कर सकते हैं, उसके अलावा कोई नहीं कर सकता, कोई नहीं कर सकता, क्योंकि वो स्किन इरिटेंट। आमतौर पे दांतों को साफ करने के लिए रेगुलरली कौन से टूथपेस्ट यूज करने चाहिए? देखो वो जैसे अभी हकीम वासित ने बताया, वो जो कंडीशन बताया तो उसको स्कर्वी कहते हैं, और वो विटामिन सी की कमी की वजह से होती है, जिसको पायरिया जो दाग छोड़ देते हैं, जो आपके जो है वो जड़े छोड़ दें, या जो है आपके जो है गम्स को छोड़ दें, बच्चों में भी कॉमन है और बड़ों में भी कॉमन है, तो स्टार जो है समझ रहे होते हैं अखरोट का दूसरा जो टूथपेस्ट हो उसमें कैल्शियम कार्बोनेट और फ्लोराइड बहुत अच्छा होना चाहिए, सोडियम लॉरियल सल्फेट ज्यादा क्वांटिटी सोर्बिटॉल की या ज्यादा क्वांटिटी सोडे की, ये सारी ही डेंजरस होती है, वो आपको व्हाइटनिंग इफेक्ट देती है, लेकिन उस व्हाइटनिंग इफेक्ट के लिए आप हफ्ते में एक दफा कर ले, 15 दिन में एक दफा कर ले, रेगुलर बेसिस पे सिर्फ फ्लोराइड कैल्शियम वाला टूथपेस्ट यूज करना चाहिए, इसके अलावा कोई भी नहीं। आप जब बच्चों को स्टार्ट कराएं, जिनके पीले दांत होते हैं उनकी जो है अगर जो है वो 12 ईयर के बाद जो है वो हो गए, तो उसके बाद कोई भी ट्रीटमेंट जो है अब तक के इवन लेजर, वो वाइटनिंग ट्रीटमेंट आपको 6 हफ्ते तक के रहता है, उसके बाद वापस पीले हो जाते हैं, ठीक है, तो आप उसको नहीं कर सकते। 12 साल तक के आप बहुत ख्याल रखें कि बच्चे वो टूथपेस्ट करें, और बच्चों को टूथपेस्ट लगा के छोड़ दें, क्योंकि फ्लोराइड किसी और सप्लीमेंट में नहीं होता सिवाय टूथपेस्ट के। अब फ्लोराइड की गोलियां जो है वो पानी में हमारे यहाँ नहीं होता, बाहर के मुल्कों में होता है, तो हमारे यहाँ क्योंकि नहीं हो रही है, पानी में फ्लोराइड नहीं आ रहा है, इस वजह से टूथपेस्ट जो है वो 10 मिनट लगा के छोड़ें, बच्चों को शुरू से आदत डालें 5 साल की उम्र से, 5 साल से लेकर 12-13 साल तक जब वो यूज करेंगे तो दांत खुद ब खुद सफेद रहेंगे। ये बेसिक जो है एक प्रिवेंटिव मेजर है कि दांत पीले ना, कितने प्यारे लगते हैं, प्यारे लगते हैं, खुल के इस्तेमाल कर सकते हैं, हंस सकते हैं,
वैसे कॉस्मेटिक वो भी आ गई है, ब्लीच कर सकते, ब्लीच कर सकते हैं, लेकिन वो स्टे करती है 6 वीक्स तक। मैंने एक दफा करवाया था, मेरे मसूड़ों में यकीन इतनी पेन, बिल्कुल मैं खुद करवा चुकी हूं, बिल्कुल इतना दर्द होता है, करवाया एग्जैक्टली, और मैंने कहा ये नीचे का मुझे नहीं करवाना, मैं बर्दाश्त, बहुत पेन होता है, बहुत अच्छा लगता है, पता है, बिल्कुल। मैंने कहा जरा अच्छा है, दांत खोलूंगी तो चमकेंगे, भाग गई मैं आधा कर रहा क्यों छोड़ गए डॉक्टर के पास, बिल्कुल। अच्छा अच्छा जी, अब हम बनाएंगे टूथपेस्ट के साथ हेयर ग्रोथ शैम्पू। अच्छा ठीक है, शैम्पू हम बनाएंगे, इसमें हमें जिस थोड़ा सा हमने पानी लिया है आधा कप, ठीक है, इसमें आधा कप हम डालेंगे रोज़ वाटर, हाँ, और साथ में हम डालेंगे ये मुलेठी का पाउडर है, सुनिए मुझे भी दे रहे, थोड़ा मुलेठी का पाउडर कैसे खाऊं मैं, मुलेठी चूस मुँह में रख के चूसती रहे, वो लकड़ी पाउडर में चूस सकती हूँ, पाउडर चिपक जाएगा, लकड़ी जो लगे ना उसको थोड़ा सा चूस लें। अच्छा 1 टेबल स्पून, ठीक है ठीक है, सिरका है वाइट वाला 1 टेबल स्पून, एलोवेरा जेल 1 टेबल स्पून, ठीक है, और इसमें हम बालों के लिए शैम्पू बना रहे हैं, शैम्पू है हेयर ग्रोथ शैम्पू विद टूथपेस्ट, सोचे कभी सोचा भी नहीं होगा, अगर यहाँ ज़बैदा आप आती तो बताती, या नाई दापा होती तो बताती कि टूथपेस्ट से सफाई भी हो सकती, दाग भी, दाग भी, कपड़ों पे निशान लग जाए ना, टूथपेस्ट लगा के छोड़ दीजिए, आप भी बताएगा, चले मैं बता दूंगी। अच्छा ये भी तकरीबन टूथपेस्ट जो सा भी आपके पास है 1 टेबल स्पून, ज़्यादा नहीं डालेंगे, ठीक है, बालों में कुछ प्रॉब्लम नहीं, कुछ भी नहीं होगा, और जो मुलेठी मिलाई है हमने एलोवेरा, मुलेठी ग्रोथ के लिए होती है, एलोवेरा जेल जो है ना नरिशमेंट के लिए होता है, सिरका जो है चमक के लिए होता है, ठीक है, रोज़ वाटर तो अपने सिर्फ उसको मतलब उसके लिए बनाया, लिक्विड बनाने के लिए। टूथपेस्ट क्या करेगा? टूथपेस्ट में जो है ना फ्लोराइड है और सॉर्बिटॉल होता है, जैसे भी कहा सेलुलोज गम होती है। अच्छा सॉर्बिटॉल जो होता है वो कॉस्मेटिक्स का मेन इंग्रेडिएंट है। अच्छा ये आपका जो मॉइस्चर है उसको लॉक रखता है, हाइड्रेशन रखता है, आपके बाल जो है ड्राइनेस नहीं आएगी, जो भी चीज़ है उसको लॉक कर देगा, तो वो हाइड्रेशन रखता है, आपका मॉइस्चर लॉक कर देता है, कॉस्मेटिक में भी इसीलिए डालते हैं और टूथपेस्ट में भी इसीलिए डालते हैं, वरना टूथपेस्ट जो ड्राई हो जाए, सूख के झड़ना शुरू हो जाएगा, तो सॉर्बिटॉल जो है वो एक हाइड्रेशन के लिए होता है, तो इसको हम इसमें डाल रहे हैं ताकि वो, और एक स्मूथ टेक्सचर जैसे लाइक आपका शैम्पू होता है। अच्छा कोई भी लिक्विड वॉश थोड़ा सा जैसे लाइक 1 टेबल स्पून, जैसे आपका खुद का ही कोई शैम्पू है, कोई सा भी शैम्पू नहीं तो सोप फ्लेक्स जो होते हैं जो घर के बचे हुए जो ग्लिसरीन सोप्स होते हैं वो डालते हैं, झाग बन जाए, लेकिन फिर मजा नहीं आता, झाग नहीं लगता, साफ नहीं हो रहा, तो वो सिर्फ आपकी सेटिस्फेक्शन के लिए, इसको आपने मिक्स टूथपेस्ट डालें तो खुशबू भी आएगी बस, और इसका बड़ा मजेदार। अच्छा अगर नहीं डालें तो कोई हर्ज तो नहीं है? क्या चीज ये वाला आप कह रही सोप के फ्लेक्स नहीं डाले, लेकिन अगर बहुत ज्यादा ऑयल है तो उसमें थोड़ा सा आपको ऐड करना पड़ेगा, ताकि थोड़ी, या फिर इसको ये भी कर सकते हैं अगर आप, हाँ अगर आप नहीं डाल रहे हैं और बहुत ज़्यादा ऑयल लगा हुआ है तो कॉर्नफ्लावर या कॉर्न स्टार्च जो होता है उसको लेके पहले बालों में मसाज करें, सारा ऑयल वो सोक कर लेगा, खुश्क हो जाएगा, उसके बाद इससे वॉश कर लें तो ऑयल भी निकल जाएगा और बाल भी सही हो जाएंगे। ज़बरदस्त यार, मतलब ये शैम्पू तो मुझे इस वक्त मुझे शदीद जो है ना ज़रूरत, अपनी बेटी के लिए, उसको बहुत शौक है लंबे बाल करने के लिए, ये बड़े अच्छे से कि मुलेठी जो है ना ग्रोथ के लिए बच्चियों को लगा सकते हैं, बिल्कुल बेस्ट है बेबी शैम्पू, इसमें कोई ऐसा केमिकल तो है ही नहीं। मेरे बेटों के बाल इतने लंबे होते हो जाते हैं, पता नहीं बेटे उल्टा ही हो गया बलाज के बाल इतने लंबे हुए हुए हैं जिसकी कोई आदमी अभी अमेरिका में नहीं कटवाए, बिल्कुल, तो वो पोनिया बनना शुरू हो गई है, इतने लंबे बाल, ट्रिमिंग करवाते रहेंगे तो भी हो जाते हैं, और कर्ली ऐसे है ना बिल्कुल दादा पे गए हैं। हाँ ये आपका शैम्पू तैयार हो गया, ठीक है ठीक है। अच्छा ये अगर आप चाहें कि जी थोड़ा सा थिक होना चाहिए, लेकिन ये ऐसे ही रहता है बिल्कुल पानी की तरह से, इसको लगाना है आपने, मसाज करना है और वॉश कर लेना, और हफ्ते में 3 से 4 दफ़ा भी लगा सकते हैं, इसलिए इसमें कोई केमिकल तो है नहीं, आपने रेगुलर यूज़ करना है और सब कोई साइड इफेक्ट नहीं है। तो कितने दिन में हमें थोड़ा पॉजिटिव रिजल्ट नज़र आना चाहिए? शैम्पू है ग्रोथ शैम्पू है, इसलिए कि कोई भी चीज़ लगाते हैं अगर वो जाती है बालों में जज्ब, रूट्स में जज्ब होती है तो अपना काम करती है, बिल्कुल। शैम्पू जो इसको हम लगा के छोड़ते तो है नहीं, ठीक है, आपने रेगुलर वॉश करना है, तो ये कहा कि आपकी जो जड़ें हैं वो मजबूत हो जाएंगी, बाल गिरना रुक जाएंगे, ताकि 1 मंथ 2 मंथ तो आपने यूज़ करना है, 2 मंथ्स करेंगे तो फिर आपको अंदाज़ा होगा कि बालों की ग्रोथ बढ़ना शुरू हो गई है। हाँ अगर लगा के उसको एज अ मास्क छोड़ दें और तकरीबन 2 घंटे के बाद वॉश कर लें इसी को, तो फिर ग्रोथ जल्दी हो जाएगी, इसी की जो तमाम चीज़ें उनका जज्ब होना बहुत ज़रूरी है। आप सिर्फ लगा के वॉश कर लेंगे तो रिजल्ट कैसे आएगा? तो इसे थोड़ा सा लगा के छोड़ दें और फिर वॉश कर लें। बहुत अच्छा, ज़बरदस्त, बहुत अच्छी चीज़ बताई है आपने, अब मैं आ रही हूँ आपके पास, ठीक है जी। डॉक्टर बतूल क्या बताने वाली हैं? बता रही हूँ जो आप एल्बो काली हो जाती है, गर्दन काली हो जाती है, लगती है नी काली हो जाती है, बिल्कुल घुटने, बच्चों के क्यों होती है? अच्छा, मैंने अक्सर देखा है पूरे हाथ पाथ साफ होकर
ये एल्बो कहाँ जो आपके जॉइंट्स होते हैं वो अगर ब्लैक हो रहे हैं तो उस कंडीशन वो मोस्टली उन लोगों में होता है जिनका ऑल ऑफ ए सडन वेट गेन होना शुरू होता है। तो ये बेसिकली अंदर हार्मोनल डिजीज होती है, घुटने बिल्कुल काले, आपकी पूरी फुल बॉडी नॉर्मल होगी, गर्दन काली हो जाती है, फोल्ड्स बन जाते हैं, उसको एकेंथ्रोसिस नाइग्रेकन्स कहते हैं। और जैसे जैसे हार्मोन्स लेवल सही होते हैं आपका वेट लूज होना शुरू होता है, नॉर्मल आना शुरू होता है, वो खुद ब खुद खत्म होता है। लेकिन फॉर द टाइमिंग ये होता है कि आप कहीं जा रहे हैं, आपको बुरा लग रहा है, आपके जो भी ड्रेस पहन लें गर्दन इतनी ब्लैक, पूरा फेस सही है आपका, ठीक है, आप हाफ स्लीव्स नहीं पहन सकते, आपके जो है वो नजर आती हैं कोनियां, तो उसके लिए बेहतरीन ये होता है कि आप ये चीजें यूज करें। इससे ये होता है ग्रेजुअली वो लेयर परत जो है उतरना शुरू हो जाएगी। अच्छा। ठीक है, लेकिन असल जो वो रूट मेन कॉज जो है वो ये कि जब हार्मोन लेवल बेटर होंगे, आपके नॉर्मल होना शुरू होंगे, आपका वेट रिड्यूस होना शुरू होगा, तो वो खुद ब खुद अंदर से फोल्ड खत्म होना शुरू हो जाता है। ठीक है, तो हम अभी बना रहे हैं अभी आपकी कोनिया, आपके नकल्स, अभी आप देखेंगे 70% तो फौरन के फौरन जो है वो इफेक्टिव होता है। फ्लोराइड वाला हम टूथपेस्ट लेंगे, अंडरआर्म्स भी हर जगह यूज कर सकते हैं बिल्कुल। ठीक है, ये हमने जो है फ्लोराइड वाला टूथपेस्ट लिया, इसमें हम शामिल करेंगे 1 टीस्पून पूरा मुलैठी। मुलैठी का बड़ा काम है भैया, बिल्कुल व्हाइटनिंग के लिए बेस्ट होती है। अच्छा, बिल्कुल। ठीक है, इसमें हम शामिल करेंगे जिंक ऑक्साइड पाउडर, अगर नहीं मिले तो सिंपल जो है वो आपने जो है वो ले ले, जीरा पाउडर ले लें या फिर जो है उसका सौंफ का पाउडर ले लें। ठीक है, वैसे जिंक ऑक्साइड पाउडर बहुत आराम से इजीली मिल जाता है। ठीक है, इसमें हम शामिल करेंगे 2 चम्मच पानी, जिंक ऑक्साइड पाउडर 4 से 5 कतरे और फ्लोराइड वाला टूथपेस्ट और 4 से 5 कतरे लेमन के। लेमन अभी जो है देखें आलूचे अवेलेबल है, ठीक है, आलूचे हैं, खुबानी है, उसका जो पल्प होता है उसमें जो चीज़ें होती हैं वो वाइटनिंग के लिए बेहतरीन होती हैं, खासतौर पर ये वाली चीज़ें जो बिल्कुल ब्लैक वाले ये पैचेस जो होते हैं ना जो गर्दन पे पड़ते हैं या जो कोनियों, ये फोल्ड में होते हैं, स्किन फोल्ड में, तो ये डीप पेनिट्रेशन इसके लिए बहुत ज़रूरी होती है। अगर नींबू की जगह जो है आप ऑरेंज जूस ले सकते हैं, अभी जो है वो आलूचे हैं, आलूचे के अंदर का जो बीज का पार्ट होता है अंदर जो उसके ऊपर लगा हुआ होता है वो पल्प यूज़ कर सकते हैं, खुबानी का यूज़ कर सकते हैं, तो उससे तेज़ी से जो है ये ख़त्म हो जाते हैं। सही, ठीक है, ये बड़ी अच्छी चीज़ बनाई है। और बिल्कुल लगाने के 20 मिनट्स के बाद जब वॉश करेंगे तो 70% ब्लैकनेस बिल्कुल खत्म हो जाती है। अच्छा, और अच्छा हमने जो इसके ऊपर लेप देना है, लेप देना है बिल्कुल, लेप, और उसके बाद पहले देखें जस्ट करना है, हाँ जस्ट करना है अच्छी तरह, एक दफा जस्ट करें तो लेप कर दें 20 मिनट्स के बाद स्क्रबिंग करके निकाल दें। कोनी है किसी की काली, आड़ू भी बहुत अच्छा बेहतरीन है इन सब चीजों में, बिल्कुल 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 डायरेक्टली सोडा आड़ू पे छिड़के, आड़ू पे और लगा ले डायरेक्ट करके उसको लगा, और कोनियों वोनियों पे लगा, इधर आओ ना, ये बड़ा होता है ना, खवातीन घर की सारे काम खुद कर रही होती हैं। अस्सलाम वालेकुम, कैसी हैं? ठीक है, आ जाए इधर, आ जाए एक मिनट। हाँ पहले नहीं थी, आबू कहीं शुरू से ही देखेंगे इस तरह की हो जाए, इस तरह की कोनियाँ हो जाती हैं। और कैसे लगाना है इसको, पहले ही मसाज करेंगे, ठीक है, पहले सर्कुलर मोशन में ऐसे क्लॉकवाइज ये और ये एंटी क्लॉकवाइज। स्किन तो तुम्हारी अच्छी, तुमने जो फेस पाउडर या बेस लगाई है वो तुमने गोरी लगाई हुई है, तुम्हारा ग्रे हो रहा है रंग, हालांकि तुम्हारी शक्ल इतनी प्यारी है यकीन मानो कसम से। हाँ इतनी दफा तक मेकअप के प्रोग्राम्स दिखाए हैं कि जो तुम्हारा कॉम्प्लेक्शन है उसके हिसाब से बेस लिया करो, तुमने ले ली गोरी बेस, वो लगा के हो गई ग्रे। क्या चाहिए बहन, आज क्या गिफ्ट चाहिए, कान में बता दो। आपने कि सब ऑडियंस का दिया वो आज से। अच्छा भाई लाओ भाई, हमारे पास कोई है ब्राइड का गिफ्ट पैक दे दो, कोनिया तो नहीं धोगी अभी ले लीजिए। ठीक है, अब इसको लगा के इतना हमने छोड़ दिया, ठीक है, देखिए 5 मिनट्स हमने मसाज किया अच्छी तरह, पहले क्लॉकवाइज फिर एंटी क्लॉकवाइज। सही है, इसको लगा के 15 से 20 करोगी नहीं घर में, चौर के दाग तो दोगी अपनी नहीं करोगी। मुलैठी, फ्लोराइड, फ्लोराइड वाला टूथपेस्ट है, ठीक है, उसमें जिंक ऑक्साइड पाउडर और जो है वो 2-4 से 5 कतरे भी थे, कतरे और थोड़ा सा पानी, इतनी सी चीजें हैं, बहुत आसान सी हैं। कितनी देर तक लगा? 20 मिनट के लिए, 20 मिनट के बाद इसको जैसे स्क्रब करते हर रोज लगाओ बहन, जितनी हो रही है फिर उसके बाद 15 दिन पे एक दफा कर लिया, एक हफ्ते में रोज कर लिया, ऑफिस चले जाए ना तो कोनी ऐसे करके बैठ के मेरा शो देख लो। नहीं ये तो आप लगा के देखें, इसका तो कुकिंग से भी कोई ताल्लुक, हर जगह आप कर सकते हैं आराम से, हो जाता है ये हर जगह लगा सकते हैं। देखिए ये इतनी सेफ चीज है, इसे आप अंडर आर्म्स में जो भी बॉडी फोल्ड्स हैं आपके जहाँ पे भी हो रहा है हर जगह आप लगा के इसको आप कुकिंग कर सकते हैं। मैं दे रही हूं लगा के छोड़ दी, ठीक है, कितने दिन में अगर ये सही लगाए रोजाना, कितने दिन में सही हो? एक हफ्ते,
एक हफ्ते बाद तुम रोज ये लगाओगी, ठीक है, मेरे शो पे आओगी, अपनी कोनी दिखाओगी, अगर कोनी साफ हो गई तो मैं जबरदस्त गिफ्ट दूंगी, पक्का वादा है, पक्का प्रॉमिस, सही है? आज का गिफ्ट तो दे रही हूँ ना तुम्हें, ठीक है, और लेकिन एक हफ्ते बाद और अच्छा गिफ्ट दे रही है ना आपको, ट्रीटमेंट, कोई जोड़ा मिल सकता है, कोई जूता मिल सकता है, कुछ भी मिल सकता है, कोई मेकअप मिल सकता है, वो एक हफ्ते बाद और तुम अभी ये सही करके मेरे शो पर आप ये सही करके आए। अभी आपकी डिमांड लिफ्टिंग ट्रीटमेंट थी ना, आपको यहीं पे फौरन के फौरन लिफ्टिंग ट्रीटमेंट देंगे, जबरदस्त, सही है, ठीक है, और बोल क्या मांगती है, ठीक है, मुलैठी, सफेद टूथपेस्ट, फ्लोराइड वाला, कोई सफेद टूथपेस्ट, ठीक है, लेमन के कतरे और क्या, जिंक ऑक्साइड पाउडर, नहीं हो तो इलायची पाउडर, अभी ब्रेक के दौरान ना ओके बोतल तो मैं अभी लिख देते हैं, एक हफ्ते का मार्जिन है, सही, एक हफ्ते में सही करना है, हाँ भाई माइक किसके पास है, एक मिनट रुके, जबरदस्त, हाँ अब किसने अपना कॉन्फिडेंस चेक करना है, हाँ भाई किसकी बारी है, कौन बोलेगा, ब्रेक पे कौन जाएगा, अरे भाई तुम तो हमारी रिश्तेदार हो गई हो ना, तुमने कि तुम्हारा तो कॉन्फिडेंस है, आप बोलेंगे, देखती हूँ, हाँ ब्रेक पे जाइए, माइक जरा अंदर से आवाज निकालिए, मुझे पता है जान नहीं है आपके अंदर, हाँ जी, कोई मैसेज देना है किसी को तो दे दो, अपने रिश्तेदार को, जोर से माइक करीब करो, मैसेज नहीं देना है, इतनी हल्के बोलोगी, सो ही नहीं देखेगा मेरा कोई, क्या बोलो, ब्रेक पे चली जाओ बहन, हम जा रहे हैं ब्रेक पे, मिलते हैं ब्रेक के बाद, गुड मॉर्निंग पाकिस्तान, नॉट बैड, वेलकम बैक, गुड मॉर्निंग पाकिस्तान, सॉरी यार मैंने किसी और से बुलवाना था, भूल गई मैं, अगली दफा, ठीक है, हम आज आपको दिखा रहे हैं, बता रहे हैं कि मंजन हो या टूथपेस्ट हो या मिसवाक, किधर है मिसवाक, इन तीनों चीज़ों से जिनसे आप अपने दांत साफ करते हैं और भी बहुत सारे फायदे उठा सकते हैं, बहुत सारी चीज़ें हमने आपको बताई आपकी स्किन से रिलेटेड, अब हम आपको बताने वाले हैं कि अगर आपके कपड़ों पे दाग लग जाता है, समझ नहीं आता है, इंस्टेंट आपको अगर डिटर्जेंट भी नहीं मिल रहा है, ठीक है, और आपको फटाफट दाग भगाना है तो क्या करेंगे, लेकिन डिफरेंट तरह के दाग होते हैं, हाँ ठीक है, उसमें अगर सिर्फ चिकनाई लग गई है या कोई चाय गिर गई है कुछ भी है तो उसके लिए फ्लोराइड टूथपेस्ट बेस्ट है, ठीक है, उस पर आपने जहाँ पे भी जो भी चीज़ गिरी उस पर आपने लेना है और सिर्फ मतलब लेप लगा देना है, अच्छा लेप करके छोड़ देना है, जब वो ड्राई हो जाएगा उसके बाद जो है ना उसको आपने रगड़ना या ब्रश से आप रगड़ें और उसको वॉश कर लें, कपड़े में सुराख तो नहीं हो जाएगा, नहीं 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 बिल्कुल भी नहीं होगा, और अगर पुराना दाग है या बच्चे लगा रहे थे इंक का है कोई धब्बा इस तरह से तो थोड़ा सा सिरका लें टूथपेस्ट लें दोनों का पेस्ट बनाएं और उस जो भी धब्बा है जैसे इंक का है या मार्कर का है उसके ऊपर लगा के छोड़ दें, अच्छा जब वो सूख जाएगा तो उसको नीम गर्म दूध में डुबोएं और छोड़ दें, अच्छा 5-10 मिनट के लिए और जब उसको आप वॉश करेंगे तो बिल्कुल धब्बे साफ हो चुके होंगे, ओ जबरदस्त, इसी तरह से जैसे मैंने कहा कि टूथपेस्ट जो है ये ओरल हाइजीन के लिए होता है तो इसे कुछ भी हम काम करेंगे वो बहुत अच्छा रहेगा, बच्चों के दूध की जो बॉटल्स होती है फीडर्स होती हैं उसको वॉश करना होता है उसको बॉयल करना होता है तो जो पानी आप जिसमें बॉयल कर रहे हैं थोड़ा सा पानी लें गर्म पानी उसमें थोड़ा सा टूथपेस्ट डालें फ्लोराइड ले लें या नीम ले लें कोई सा भी और थोड़ा सा उसके अंदर सिरका डालें और गर्म पानी डाल के उसको खूब अच्छी तरह हिलाएं उसको वॉश कर लें और फिर सादे पानी से उसको वॉश कर लें तो वो जो बॉटल्स हैं वो बिल्कुल अच्छी तरह से प्रॉपर क्लीन हो जाएंगी, ओ जबरदस्त, बच्चों की बॉटल्स को इस तरह से वॉश किया जाता है, वो होता है ना बच्चों की बॉटल्स की सफाई की बदबू आने लगती है प्लास्टिक की वजह से, अजीब सी स्मेल दूध की वजह से, इसको डालेंगे तो उसकी अपनी खुशबू होती है और सिरका भी है तो दोनों मिलकर उसको बिल्कुल प्रॉपर क्लीन कर देंगे, ये देखें कितनी जबरदस्त टिप्स है और ये तो मैंने कभी सुनी ही नहीं थी जो इतनी अच्छी टिप्स आपने बताई है, ठीक है अच्छे अब क्या करने वाले अच्छा, इसके अलावा मैं आज आपको बताती हूँ होम लेजर कैसे करते हैं, होम लेजर लेजर जैसे ट्रीटमेंट करवाते हैं लेजर से क्या होता है स्किन से होती है बाल हाँ लेजर निकल जाते हैं लेजर से होता है कि बालों का जो ग्रोथ होती है उसमें रिडक्शन हो जाता है मतलब ग्रोथ स्लो हो जाती है जी और हम लेजर इसीलिए करवाते हैं जी अच्छा होम लेजर में हम क्या करेंगे बड़ा आसान सा इसके लिए भी हम लेंगे टूथपेस्ट लेंगे टूथपेस्ट फ्लोराइड ही सबसे बेस्ट है बहुत थोड़ा सा लेते हैं तकरीबन 1/4 टीस्पून अच्छा और इसमें हम डालेंगे पिस्ते शीरी पाउडर 1/2 टीस्पून ठीक है और एक टिंक ये आपके ड्रॉप्स आते हैं कॉल्ची कम के नाम से क्या नाम है कॉल्ची कम ये क्या ड्रॉप्स होते हैं
ये होम्योपैथी के स्टोर से मिलते हैं और ये सुरंजान के होते हैं। ये किस किस पर्पज के लिए यूज होते हैं? ये वैसे तो अगर होम्योपैथी के उसमें जाते हैं तो ये दर्द के लिए होता है, किडनी के लिए होता है, जोड़ों के दर्द के लिए होता है, लेकिन हम जब इसको ऑल्टरनेट में यूज करते हैं तो ये बालों की ग्रोथ को कम करता है। कम करता है, कम करता है। अच्छा, बालों की ग्रोथ को आप सिर्फ ये लगाते हैं। अभी आपने फ्लोराइड वाला टूथपेस्ट डाला है, व्हाइट वाला, व्हाइट वाला, फिर आपने कस्ते शेरी और इसके बाद हम इससे बना लेंगे पेस्ट कोल्चिकम से। कोल्चिकम जो होम्योपैथिक की ड्रॉप्स है ये बालों की ग्रोथ को कम करता है। तो ना पसंदीदा बाल जो आपके चेहरे पर है या बॉडी में कहीं, पूरी बॉडी पे। अच्छा देखिए, आप लेजर करवाते हैं तो वो उसकी जो ग्रोथ, उसको मतलब लेजर जो है हेयर रिडक्शन के लिए होता है, मतलब बालों को कम करने के लिए होता है। उससे ऐसे ऐसा बाल जो बाल 10 दिन में निकल रहे हैं वो 10 महीने में निकल रहे हैं, मतलब जब आप करवाते हैं। तो जब आप ये लगाएंगे, इसका तरीका क्या है कि आपने वैक्सिंग की या थ्रेडिंग की, उसके बाद ये आपका पेस्ट आपने बनाया, इसको बना के इसको एयर टाइट जार में रख सकते हैं और इसको जहाँ से आपने हेयर्स रिमूव किए वहाँ पे इसका लेप कर देंगे, इस तरह से मसाज करेंगे, ठीक है, और इसको 10 मिनट के लिए छोड़ देंगे, ठीक है। 10 मिनट के बाद इसको आप साफ़ कर लेंगे और ये रोज़ाना लगाना है। अच्छा, तो जब आप इसको लगाना शुरू करते हैं तो ग्रेजुअली जो होता है कि वो जो ग्रोथ है उसमें वो डिले होना शुरू हो जाती है। लेकिन अगर 15 दिन में वैक्सीन कर रहे हैं तो आप 20 दिन में करेंगे, फिर वो एक महीने बाद करेंगे, और इसको आपने इसको रेगुलर करना है। हाँ। बट जो फर्स्ट टाइम इसकी एप्लीकेशन होगी वो ये होगी कि आपने पहले बालों को रिमूव करना है, वैक्सिंग करें या आप जो भी कर रहे हैं, थ्रेडिंग कर रहे हैं या ट्विजर से कर रहे हैं, आपने बालों को साफ करना है, देन उसके बाद इसको लगाना शुरू करना। अच्छा, तो ये हम इसको होम लेजर कहते हैं कि जो बच्चियां लेजर नहीं करवा सकती हैं और जिनके बहुत ज्यादा हेयर ग्रोथ है तो वो जो है ये ट्रीटमेंट कर सकती है, और उससे जो है आपका एक तरह का नेचुरल ट्रीटमेंट है जो कि आप घर में लेजर का मजा ले सकते हैं। जबरदस्त जबरदस्त, क्या बात है, बहुत अच्छा ट्रीटमेंट बताया। और बहुत सारी खवातीन को ये प्रॉब्लम होती है, यहाँ तक कि मुझे भी ये बहुत थ्रेडिंग करानी पड़ती है, मुझे कभी चेन पे निकल आता है बाल, कभी यहाँ पे। किसको और प्रॉब्लम होती है, किसकी बहुत ज़्यादा वैक्सिंग की ज़रूरत पड़ती है आप लोगों में से? हाँ, कोई है जिसमें बहुत काले काले बाल निकलते हैं, मोटे मोटे, कोई है यहाँ पे? किसी को भी नहीं निकलते, लकी लकी हैं आप लोग। लेकिन जो आप खवातीन देख रही हैं और आपको ये प्रॉब्लम है तो ये आप ट्रीटमेंट करके प्लीज़ मुझे बताइए कि रिजल्ट कैसे आए। कोई साइड इफ़ेक्ट नहीं है, आपने फ्लोराइड वाला टूथपेस्ट इस्तेमाल किया, आपने कस्ते शीरी इस्तेमाल किया, कोल्चिकम जो होम्योपैथिक के ड्रॉप्स हैं वो, बस तीन चीजें बस, और उसका पेस्ट बना के आपने लगा दिया उन जगहों पे जहाँ पे वैक्सिंग करने के बाद कर ली, उसके बाद इसको रोजाना लगाना है 10 मिनट के लिए, 10 मिनट्स के लिए। अच्छा, वैक्सिंग तो एक ही दफा हुई ना, वो तो एक ही दफा, बस उसके बाद से रोजाना कितने दिन के लिए आप इसको, तो रोजाना लगाते रहेंगे, 10 मिनट्स के लिए लगाएंगे, ठीक है। 10 मिनट्स के बाद आपने वॉश कर लिया, और जब जैसे आपको पहली दफा में अंदाजा होगा कि जो आप वैक्सीन करवा रहे थे 10 दिन के अंदर या 15 दिन के अंदर, वो कुछ दिन बढ़ जाए, डिले हो जाए, बिल्कुल, अब वो फिर होते होते बहुत गैप आ जाता, यानी कि घरेलू लेजर। जबरदस्त, बहुत अच्छा। अच्छा, इसमें एक चीज ऐड करना चाह रही हूँ, जो चीज़ें बताई बहुत अच्छी हैं, लेकिन जब भी फर्स्ट टाइम इस्तेमाल करें, जिनको बॉडी हेयर्स हो गए या फेशियल हेयर्स हो गए, जिन लोगों को होता है उनकी एक्स्ट्रा सेंसिटिव स्किन होती है। अच्छा, और चूंकि वैक्सिंग के बाद और थ्रेडिंग के बाद बताया तो दोनों के बाद स्किन आपने देखा होगा रेड हो जाती है फॉर द टाइम बीइंग, एक घंटे दो घंटे के लिए। तो बेहतरीन ये कि पहले आप यहाँ पे लेजर वो वैक्स करा लीजिए और पहले ये अप्लाई करके देखिए, अगर ये पार्ट रेड नहीं हो रहा तो फिर फेस पे आप यूज कर लीजिए। डायरेक्ट कभी यूज कर लेते हैं तो चाहे वो क्रीम्स हो चाहे ये वाले ट्रीटमेंट हो, कोई भी होम रेमेडी हो, होम्योपैथिक मेडिसिन होती है अल्कोहल बेस्ड, तो डायरेक्ट रेड टिंगलिंग सी फील, एग्जैक्टली टिंगलिंग फील हो, इसीलिए मैंने क्लियर कर दिया था, क्योंकि आप जब अल्कोहल बेस्ड कोई भी चीज लगाएंगी तो स्किन रेड होगी। तो कोशिश करें कि पहले ठंडे पानी से अच्छी तरह मुंह धो लें वैक्सिंग के बाद या थ्रेडिंग के बाद, 10-15 मिनट के बाद जब आपको लगे कि यहाँ पे कोई इरिटेशन नहीं हो रही है तो फिर आप लगा लीजिए। जरूरी है कि वैक्सिंग करके उसी दिन लगा लें, एक दिन बाद डिले करके लगा सकते, उस तक बाकी स्किन बहुत सेंसिटिव हो रही है, प्रॉब्लम ना हो, कुछ भी नहीं करना है आपने, खाली शुरू में ड्रॉप्स लगा लें ताकि वो पोर्स बिल्कुल टाइटली क्लोज हो जाते, और फिर उसके बाद तीनों का मिक्सचर बना के लगा लें, और जो फ्लोराइड टूथपेस्ट है वो वैसे भी सूदिंग काम इफेक्ट देगा, आप खाली भी वो लगाते हैं, जले हुए के ऊपर लगाते हैं, आपको कोई चोट लग जाती है जैसे जलन हो रही है वहाँ पे टूथपेस्ट लगाते हैं तो फौरन आराम आता है, ओके, तो वैसे भी लगाएंगे तो आपको एक बहुत ही कामिंग इफेक्ट मिलेगा। ठीक है, ठीक है, आप क्या बता रहे हैं? हम बता रहे हैं फटी हुई एड़ियों का। अरे ये तो बड़ी मुसीबत है, मेरे साथ भी इतना होता है, तो नंगे पैर चलने, वाइटिंग भी बहुत अच्छी होगी, फटी हुई एड़ियां भी सही हो, गर्मियों में भी हो रहा है, बिल्कुल होती है, ये क्या वजह है?
बॉडी में जिंक की कमी है, आपके विटामिन की कमी है, उसी की वजह से एरिया स्किन रफ हो रही है, ड्राई हो रही है, तो वो फट जाती है, आपको प्रॉपर आपको विटामिन नहीं मिल रहा है। हम समझ रहे हैं हमने ये फ्रूट्स खा लिए, वेजिटेबल्स खा लिए, हमारी ज़रूरत पूरी हो गई, लेकिन हमारी ज़रूरत जो हमारी बॉडी की नीड है वो कभी भी इन ग़िज़ा से पूरी नहीं कर सकते हम लोग। अच्छा, तो आपको सप्लीमेंट लेने चाहिए, सप्लीमेंट्स मस्ट है। और विटामिन लेने के लिए भी आपको डॉक्टर के पास जाना चाहिए कि जाइए और बताइए कि आपको फलाना विटामिन खाने की जरूरत है या फलाना खाने की जरूरत है, आपको पता नहीं है ना, और वो किस डॉक्टर के पास जाएं पूछते हैं। जनरल फिजिशियन भी जो है वो आपको अच्छे, अगर आपको कोई इंटरनल कोई प्रॉब्लम नहीं है तो आप जनरल फिजिशियन से भी ले सकते हैं, और अगर कोई रिस्पेक्टेड कंसर्न है जो भी आपका है तो उसके उसके ही आप जो है कंसल्टेंट के पास जाकर आप कोई भी मल्टीविटामिन लिखा लीजिए। अच्छा, और मल्टीविटामिन भी ये होता है, मल्टीविटामिन आपको सीजनल चेंज करनी होती है। ठीक है, सीजनल अच्छा। क्या जब आप सीजन चेंज हो रहा है, अब हम जो है वो जुलाई से लेकर जो है हम अक्टूबर तक के वो एक मल्टीविटामिन खाएंगे। अच्छा, वो मल्टीविटामिन जिसमें जिंक की क्वांटिटी अच्छी हो, सेलेनियम की अच्छी हो, तो उससे क्या होगा कि अक्टूबर में जब वो ड्राई वेदर स्टार्ट होगा तो वो आपको कवर अप पहले ही मिल चुका होगा, तो आपकी एड़ियां नहीं फटेंगी, आपकी स्किन ड्राई नहीं होगी, आपके बाल ओवर ड्राई नहीं होंगे, आपको ड्रफ नहीं होगी। हाँ। तो ऐसी चीजें लेनी चाहिए जो अच्छी मल्टीविटामिन है, उनकी रेंज का कितने रुपए से 1500 से शुरू होती है। खवातीन इतना खर्चा करती है सैलून पे, इस पे, उस पे, तो 1500 और वो कितने 60 गोलियां होती हैं, 60 होती हैं, दो महीने चल जाए बिल्कुल। आपने ब्रांड लेना, आपको लेना चाहिए, इसलिए कि आप बहुत ही लोकल इस टाइप की लेते हैं तो वो आपका वेट बढ़ा देती है। अगर आप अच्छा की क्वांटिटी बहुत ज्यादा होती है उसका मास, बहुत जरूरी डिस्कशन है, सीरियसली बोरिंग हो या कुछ बहुत जरूरी है आपके लिए। टैबलेट का मास बढ़ाने के या वॉल्यूम या उसको भारी करने के लिए, उसकी क्वांटिटी बढ़ाने के लिए जो है उसमें पैराफिन की क्वांटिटी जो कि सिर्फ आपका वजन बढ़ा रही है और कुछ भी नहीं। अक्सर लोगों की यह मिथ बना हुआ है बल्कि हकीकत भी है कि विटामिन लेने से मेरा वजन बढ़ता है ना। ब्रांड कौन सा ले रहे हैं आप, डॉक्टर से आपने कंसल्ट किया है या नहीं कि आपका ब्रांड कौन सा। अगर आप कोई अच्छा विटामिन ब्रांड ले रहे हैं और कभी भी आपका वेट नहीं बढ़ता, आप जितना भी खा लें। पता है, मैं आपको बताऊं, मेरा जो वेट लॉस मैंने किया है, ऑब्वियसली जाहिर है मैंने अपनी खुराक कम की थी, रोटी चीनी चावल तेल सब छोड़ा था। अगर मैं 7 सप्लीमेंट्स नहीं लेती विटामिंस तो मैं नहीं अपने आप को कम कर सकती थी, चेहरा खराब हो जाता, बाल खराब हो जाते। तो जब आप अगर डाइट भी करने का सोच रहे उसके लिए विटामिंस का होना बहुत जरूरी है आपकी इज्जा में। और थैंक्स टू विटामिंस, जाहिर है बिल्कुल रिकमेंडेशन जो है वो डॉक्टर्स ही दे सकते हैं, खुद अपने सोच के नहीं ले सकते। तो जब आपको वजन कम करने का भी आपने सोचना है तो विटामिंस जरूर अपनी ग़िज़ा में शामिल करें। एक छोटा सा ब्रेक ले रहे हैं, ब्रेक के बाद वापस आते हैं, फिर बताते हैं कि हम आपको क्या बता रहे हैं। नेक्स्ट, गुड मॉर्निंग, गुड मॉर्निंग पाकिस्तान। हाँ, रेडी है, ओके रेडी। वेलकम बैक जागो पक, वेलकम बैक, गुड मॉर्निंग। कोई बात, दोबारा एक्शन रिप्ले, आपको दोबारा मौका दिया जा रहा है किसी और की ब्रांडिंग किए बगैर। मेरे शो का नाम है गुड मॉर्निंग पाकिस्तान और मेरे अम्मी अब्बू ने मेरा नाम निदा यासिर, निदा पाशा रखा था, फिर मेरे मियाँ ने चेंज करके निदा यासिर कर दिया, तो आजकल मैं निदा यासिर के नाम से थोड़ी बहुत मशहूर हूँ। जी, 1 2 3 रेडी, वेलकम बैक, मॉर्निंग, गुड मॉर्निंग पाकिस्तान विद निदा यासिर। कोई बात नहीं। देखिए, मेरे मुंह में जो अभी मैं खा रही हूँ गला सही करने की दवाई है वो खा रही हूँ, तो माजरत है उन लोगों से कि होस्ट को कुछ खाना नहीं चाहिए, चबाना नहीं चाहिए। होस्ट अगर ये खाएगी नहीं तो बोल नहीं सकती, गला खराब और नासाज है तबीयत। आज हम जो शो कर रहे हैं उसमें हम आपको टूथपेस्ट, मंजन और मिसवाक, इन तीनों चीज़ों से कुछ मजीद फ़ायदे बता रहे हैं कि जो दांतों के अलावा आपको और फ़ायदे पहुंचा सके। अभी हमने आपको ब्रेक पे जाने से पहले बताया था फटी एड़ियाँ जो कि अक्सर खवातीन में देखी जाती हैं, पूरा थोप थाप के इतनी अच्छी से तैयार होकर चली जाती हैं और पैर देखो तो फटी एड़ियाँ। कभी दूसरों को क्या बोलूँ, मेरे साथ ही ऐसा होता है, इतना तैयार होके आई हूँ और अभी एड़ियाँ दिखाऊँ आपको तो फटी नहीं होंगी। तो ये प्रॉब्लम सबके साथ होती है, क्यों होती है वजह बताइए हमने आपको ब्रेक पे जाने से पहले, कि विटामिन्स की कमी और नंगे पैर फिरना ये सब होता है, इसको किस तरह दूर किया जाए ये आपको बताएंगी डॉक्टर। अच्छा, सबसे पहले हमने लेना है मिसवाक वाला टूथपेस्ट, ठीक है, एक चम्मच
ये मिसवाक वाला टूथपेस्ट है, ये कुछ इस तरह के कलर का सफेद और क्योंकि हल्दी मिक्स होती है तो ये जो येलो पार्ट है वो हल्दी का है बेसिकली। ठीक है, ठीक है। इसमें हम डालेंगे एक चम्मच भर के व्हाइट पैराफिन, व्हाइट पैराफिन सिंपल पैराफिन या वैसलीन ले लें, अगर नहीं मिल रही व्हाइट पैराफिन तो वैसलीन ले। ठीक है, ठीक है। एक चम्मच हमने भर के डाल दी। ठीक है, इसमें हम शामिल करेंगे, इसको मिक्स कर लें अच्छी तरह और अच्छी तरह बना के रख सकते हैं बिल्कुल ना, क्योंकि इसमें जो है जो हमने मिसवाक वाला डाला है इसमें कैल्शियम फ्लोराइड हल्दी सारी चीज़ें हर्बल चीज़ें होती हैं तो इसका इफेक्ट बहुत अच्छा आता है एड़ियों पे। ठीक है, अब इसमें शामिल करेंगे हम 1 टीस्पून ऑरिगेनो ऑयल। ऑरिगेनो ऑयल, ऑरिगेनो वो हर्ब है जो हम अक्सर पिज्जास पे डालते हैं, लज़ानिया पे डालते हैं, पहले नहीं पाकिस्तान में इतना इस्तेमाल होता था लेकिन अब सौदे में आने लगा क्योंकि हर दुकान पे अब मुझे मिलता है। जब शुरू में मैं कुकिंग शोज करती थी ना तब बहुत मुश्किल से मिलता था, अब हर छोटी मोटी दुकान पे ऑरिगेनो है। देखो अब इसमें हम शामिल कर रहे हैं एक विटामिन ई की कैप्सूल जिसमें इवनिंग प्रिमरोज ऑयल शामिल है, विटामिन ई जिसमें इवनिंग प्रिमरोज ऑयल 100 मिलीग्राम में शामिल है। ठीक है, अलहदा अलहदा भी ले सकते हैं विटामिन ई की कैप्सूल और इवनिंग प्रिमरोज ऑयल की कैप्सूल। ठीक है, बस ये तीनों चीज़ें मिक्स कर देंगे अच्छी तरह। ठीक है, ठीक है। अच्छा अब ये जब आप एड़ियों पे लगाएं तो क्या सॉक्स पहन लें? जरूरी नहीं है, सिर्फ उस वक्त देखें सुबह उठ के लगा लें खास तौर पर अच्छी तरह। अच्छा, सुबह उठ के लगाएंगे ना चलने में प्रॉब्लम होती है, स्लिपरी हो जाते हैं पैर। नहीं होगा बिल्कुल, जब आप फिल कर लेते हैं ना बिल्कुल फिल करने के बाद ये बिल्कुल ड्राई इफेक्ट हो जाता है। अच्छा, आपको 15-20 मिनट वेट करना है उसके बाद आपने वॉक करना है, फिर आप जो है वजू बनाए सारी चीज़ें और रात में लगाकर सो जाएं। 3 डेज में जो है जितने इवन फिशर्स जिसे कहते हैं ना बिल्कुल डीप लाइन जिनमें से खून निकलने लग जाता है वो तक इससे बिल्कुल फिल अप हो जाता है। टूथपेस्ट क्या काम करेगा? टूथपेस्ट ये काम करता है कि इसमें जो है कैल्शियम कार्बोनेट जिंक साइड है तो अंदर से स्किन रीजनरेशन बहुत तेजी से कराता है, और हल्दी है तो होता यह है कि आपने देखा पपड़ी उतर रही होती है, जो पपड़ी होती है वो बेसिकली फंगल इन्फेक्शन होता है। अच्छा। जो कि नंगे पैर चलने से या पानी में पैर देने से या आप सफाई कर रहे होते हैं सर्फ वगैरह से इस तरह साबुन से उससे और तेजी से फैलता है। अब आप इनको रिस्ट्रिक्ट नहीं कर सकते, आप हर काम तो मासी से नहीं हो सकता बिल्कुल भी, हर फीमेल जो है वो रिस्ट्रिक्ट नहीं कर सकती, मासी होती भी नहीं है बेसिकली। तो आप ये जब आपने इस तरह का काम करना है वॉशिंग का अच्छी तरह लगा लीजिए, बहुत स्लिपरी रेस का चांस है तो सॉक्स पहन लीजिए, चप्पल पहन के आप आराम से जो है वो करते रहिए 2-3 घंटे अगर आप डे टाइम पे लगा कर रखेंगे और रात में लगा कर सोएंगे 3-5 दिन में बिल्कुल पैर क्लीन हो जाते हैं बिल्कुल। उसके बाद आपने जो है वो वैदे प्रिवेंटिव मेजर बस हल्का सा रात में लगा लिया, बच्चों को भी लगाएं खुद भी लगाएं ताकि जो है वो कंडीशन हो ही ना बिल्कुल, और बहुत अच्छे पैर हो जाते हैं बिल्कुल साफ सुथरे, क्योंकि ऑरिगेनो जो होता है ना ऑरिगेनो में जो है वो जिंक की क्वांटिटी बहुत अच्छी होती है, फिर हमने टूथपेस्ट मिलाया है तो वो अंदर से स्किन रिजनरेशन बहुत, क्योंकि आप ना सख्त होती है स्किन सोल की जो भी आप उसकी बहुत सख्त होती है तो वो बहुत टाइम लेती है निकलने में। हाँ। तो जितनी अच्छा जिंक की क्वांटिटी इस्तेमाल करेंगे चाहे वो खाने वाली चीज़ों में करें चाहे लगाने वालों में फौरन स्किन जो है वो परत बन के निकल जाएगी और स्किन में फिलअप बहुत तेजी से होगा। अब बाहर अंदर से स्किन बननी जरूरी है। हाँ, हाँ। अंदर से स्किन बनेगी तो वहाँ पे आ जाएगी तो वो फिशर भर जाते हैं जो खून निकल रहा होता है फौरन से ही हो जाता है। जबरदस्त, बहुत अच्छी आपने चीज़ बताई है, थैंक यू। और ये जो है हम लोगों ने करनी है, हम सुस्त हो जाती हैं बाद में रिग्रेट कर रही होती है कि आप फॉर्मेशन देखें इसकी कैसे हो गई। हाँ ठीक है, आप फॉर्मेशन देखें अब ये आप बना कर क्रीमी क्रीमी हो जाए, ये देखें आप बिल्कुल ऐसा लग रहा है जैसे मुझे भी जरा मुझे तो बड़ी जरूरत है, ये देखें चिकनी नहीं है बड़ी सुस्त हूं, कितनी सॉफ्ट नहीं है बिल्कुल सॉफ्ट बनी है बिल्कुल। ओए ओए तो इससे हाथ भी आजकल बड़े ड्राई हुए हैं और इतने काले हो गए हाथ पैर, ये समंदर पे और वाटर पार्क में जा जाके बिल्कुल अजीब बिल्कुल स्किन हो गई है। ठीक है, अगर आपने समंदर पे जाना है इसमें सिंपल जिंक ऑक्साइड पाउडर मिला लीजिए, नहीं है जिंक ऑक्साइड पाउडर इलायची का पाउडर मिलाकर अच्छी तरह लगा कर समंदर पे जाए कोई टैनिंग नहीं होगी। अच्छा, बिल्कुल भी टैनिंग नहीं होती है। बहुत अच्छी आपने चीज बताई, आज तो छाए हुए हैं आप लोग माशाल्लाह जी। आप क्या बता रही हैं आप? अच्छा, और खुशबू इतनी अच्छी आ रही है, वरना अगर आप खाली वो लगाते हैं ना पैराफिन या कुछ तो उसकी स्मेल होती है, इसकी खुशबू बहुत अच्छी है। हाँ अच्छा, हम बना रहे एंटी एजिंग के लिए, स्किन लूज हो जाती है, बहुत सारे ट्रीटमेंट्स करवा रहे होते हैं कि स्किन लिफ्ट हो जाए या स्किन। अच्छा, जो खवातीन जिनकी एज नहीं होती और फिर स्किन लूज हो जाती है उसकी क्या वजह होती है? वही विटामिन्स की डेफिशिएंसी, आपने वेट लूज किया है विटामिन्स की डेफिशिएंसी, अपना ख्याल नहीं रख रहे हैं प्रॉपर, आप वो नहीं कर रहे क्लिनजिंग नहीं कर रहे हाइड्रेशन नहीं कर रहे मॉइस्चराइजिंग नहीं कर रहे तो स्किन रफ हो के या ड्राई हो के बिल्कुल खिंचती है और फिर लूज होना शुरू हो जाती है। मतलब स्किन की रूटीन केयर बहुत ज़रूरी है, वो हम करते नहीं है, विटामिन्स का इनटेक है नहीं, वेट बहुत ज़्यादा बढ़ जाता है फिर वेट बहुत ज़्यादा कम हो जाता है, लेकिन जब वेट हम लूज़ करते हैं तो उस वक्त विटामिन्स हमें बहुत ज़रूरी होते हैं लेना। ठीक है, अपनी डाइट के मामले में। अच्छा ठीक है, अच्छा इसमें स्किन टाइटनिंग के लिए जो मैं बता रही हूँ किसी भी तरह की स्किन लूज हो इसमें हम लेंगे सबोल की भूसी, सबोल की भूसी को भिगो लिया, भिगो लिया इसका ले लिया हमने,
और 1 टेबल स्पून पाइनएप्पल जूस, ठीक है 1 टेबल स्पून, और ये है बंद गोभी, इसका पेस्ट ले लिया पीस के 1 टेबल, पानी में पीसना है, इसकी ज़रूरत नहीं होती, ऐसे पिस जाता है, लेकिन अगर नहीं पिस रहा तो आप इसमें पानी डाल लीजिए, ठीक है ठीक है। और इसके अंदर डालेंगे कोकोनट ऑयल 1/2 टीस्पून, और ये डालेंगे नीम वाला पेस्ट, नीम वाला पेस्ट, नीम वाला, हाँ। तकरीबन 1 टीस्पून, ठीक है। अच्छा, इसको आपने मिक्स किया। अच्छा, इसकी खास बात है जब आप इसको लगाएंगे, इसको रोज़ाना लगाना है। अच्छा, इसको लगा के आधे घंटे के लिए छोड़ देना, पूरे मुंह पे लेप दे, पूरे मुंह पे और गर्दन पे खासकर। अच्छा, अच्छी तरह से लेपना है, आधे घंटे के बाद इसको वॉश करेंगे, और सिर्फ एक हफ्ते के बाद आपको खुद फील होगा कि स्किन एकदम से लिफ्ट हो जाएगी, टाइट बिल्कुल, बहुत ज़्यादा टाइट, बल्कि इसका रिजल्ट जो आता है वो ऐसा आता है कि लोग पूछते हैं कि शायद थ्रेड लिफ्ट करवाया, एकदम से स्किन ऊपर हो जाती है। थ्रेड लिफ्ट क्या होता है? थ्रेड्स होते हैं, तो आप भी बता सकते हैं, आप भी बताओ, बताओ बताइए क्या थ्रेड्स होते हैं। बेसिकली जो बिल्कुल बारीक नीडल्स में होते हैं डले हुए, उनको जो है लाइक ये मसल, ये चीज़ सैगिंग हो रही है, या ये आप ग्रुपिन है, तो आप बोटॉक्स का और फिलर का, फिलर के साथ भी हम करते हैं, लेकिन फिलर बहुत अब कम यूज़ होता है। उसमें होता है कि थ्रेड जो है वो हल्का सा लिपटा हुआ होता है, वो वही थ्रेड्स होते हैं जो आपको ऑपरेशन के बाद लगते हैं और वो एब्जॉर्ब हो जाते हैं अंदर, जिनको निकलवाने की जरूरत नहीं पड़ती। तो यहाँ से जैसे ये डायरेक्शन ऑफ मसल है, ये डायरेक्शन ऑफ मसल है, तो यहाँ से हम एंटर करते हैं, वो यहाँ पे जाकर हुक हो जाते हैं खुद ब खुद, और नेचुरली हल्का, तो जब जाहिर होता है जब बारीक सी नीडल जाएगी, लेकिन हम जो है एनेस्थीजिया क्रीम लगाते हैं, एनेस्थीजिया देते हैं बकायदा, तो सिर्फ आपको दो जगह चुभन होगी वो नीडल की, बाकी आपको जाते हुए फील नहीं होता बिल्कुल। अच्छा, और अगर और ये मसल की डायरेक्शन में स्किन यूं पुल अप हो जाती है, ये लेटेस्ट ट्रीटमेंट है, इसने जो है वो अब जो है प्लास्टिक सर्जरी को बिल्कुल दुनिया भर में ऑब्सोलीट कर दिया है। अच्छा, ठीक है। अब जो थ्रेड्स हैं वो हुक वाले भी मिल रहे हैं, जिनमें मल्टीपल हुक्स होते हैं, उसकी अलहदा जो है अपनी लाइफ होती है, एक जो है वो निडल में जो है वो रैप होकर आते हैं, वो उनकी अलहदा लाइफ होती different है, sizes तो डिफरेंट साइजेस में आप नेक में पूरा करवा सकते हैं, टमी टक के लिए यूज होता है, टमी टमी बिल्कुल, ब्रेस्ट लिफ्टिंग के लिए यूज होता है, अब बहुत सारी चीजों के लिए, आपने अपने आर्म जो मसल बनाने, अगर डेल्टॉइड ये मसल बनाने, उसकी लिफ्टिंग के लिए यूज होता है, बहुत सारे फुल बॉडी शेपिंग के लिए यूज होता है, इट्स वेरी नेचुरल, बिल्कुल पेन फ्री प्रोसीजर है, पेन बिल्कुल, आपने जितनी थिन साइज करना है आपकी, सारा जो है वो जीरो साइज जो है वो आप थ्रेड से अचीव कर सकते हैं। तो शो बन गया भाई। हाँ जी, तो ये था हमारा आज का शो, उम्मीद है आपको पसंद आया होगा, क्योंकि बहुत इन्फॉर्मेटिव था। टूथपेस्ट से इतनी सारी चीज़ें बताई गई आपकी ब्यूटी को इन्हांस करने के लिए, जो कि आप बहुत कम खर्चे में कर सकते हैं, टूथपेस्ट हर किसी के घर में आता है, लेकिन हमने जो टूथपेस्ट आज इस्तेमाल किया, एक सफ़ेद वाला था फ्लोराइड, एक था नीम, जी आज का प्रोग्राम अच्छा लगा तो जरूर बताएगा, कल इंशाल्लाह मुलाकात होगी एक नए कॉन्सेप्ट के साथ, इंतजार कीजिएगा मेरा बिल्कुल वैसे ही जैसे मैं करती हूँ आपसे मिलने का इंतजार। चलिए मैं अरेंजमेंट करूँ कल के कपड़े ढूंढने मुझे। गुड मॉर्निंग पाकिस्तान, अपना बहुत ख्याल रखिएगा, खुदा हाफिज़।